हाँ वो कल का ठीक नहीं लगा होगा है ना Alright, uh, good evening to everyone. I think this is the last good evening of this year from my side. Changes in accounting policies. Changes in accounting policies. ठीक है ऑल राइट आप जानते हो एस सिक्स नहीं है डिलीट हो चुका है नंबरिंग के फॉर्म में ए एस सिक्स इज नॉट देयर ए एस सिक्स पहले हुआ करता था डेप्रिसिएशन बट नाउ ए एस सिक्स हैज बीन डिलीटेड उसको खत्म कर दिया गया एस सिक्स का नाम हुआ करता था डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन का जो भी कंटेंट था वो उन्होंने ए एस टेन के अंदर डाल दिया और एस टेन को रिवाइज कर दिया ए एस टेन का नाम हुआ करता था अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट उन्होंने बोल दिया पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये उन्होंने क्यों किया क्योंकि इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी बदल चुका है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अब उसका नाम भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका है इंटरनेशनली डेप्रिसिएशन के ऊपर अलग से कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो इंडिया में सोचा गया कि अगर ऐसा है तो फिर हम भी ऐसे ही करते हैं तो ए एसिक्स को डिलीट कर दिया गया और एस सिक्स अब है ही नहीं तो डायरेक्टली एस सेवन ए एसिक्स आपका डिलीट हो चुका है ए एस सेवन ए एस सेवन का नाम क्या है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी आपका ग्रुप टू में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिस इज ऑल्सो है इन ग्रुप ग्रुप टू सो आज हमने थ्री स्टैंडर्ड्स और हमने लिखे हमारे कुल मिला के हो गए सिक्स स्टैंडर्ड्स चलिए बताइए कौन कौन से शुरू से ए एस वन से लेकर नाम बात करते हैं बिना देखे ए एस वन वेरी गुड डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ए एस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ए एस थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट ए एस फोर कॉन्टिजेंसी बैलेंस शीट डेट और ए एस फाइव नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड परायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और ए एस सिक्स नहीं है ए एस सेवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑल राइट ठीक है अब हम शुरू कर रहे हैं ए एस फाइव नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज पेन राइट right. uh, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव नाम फिर से बोलिए अच्छे से नहीं बोल रहे हो तुम लोग बिल्कुल अटक अटक के बोल रहे हो एक ही बार में बोलो ना एक फ्लुएंट तरीके से बोलो इस एस फाइव का अगर मैं आपसे बोलूं कि स्कोप ऑफ ए एस फाइव हेयर स्कोप मतलब इस ए एस फाइव में क्या क्या डिस्कस होने वाला है तो इस ए एस फाइव में पहली चीज डिस्कस होगी नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड माने ये कि ड्यूरिंग द ईयर या किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए आपका नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है बैलेंस शीट से की से हाँ तो एस फाइव कहता है कि किसी भी पीरियड का पीरियड कैन बी थ्री, थ्री मंथ्स पीरियड कैन बी सिक्स मंथ्स पीरियड कैन बी ट्वेल्व ईयर किसी भी पीरियड का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कौन से प्रेजेंटेशंस पर ध्यान रखना चाहिए आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ये जो पहला पॉइंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर बात कर रहा है नहीं तुम एक काम करो तुम क्लास कैंसिल करो सर तुम लोग ही ऐसी की मैं देख रहा हूं इतनी देर से अगर तुम लोगों को यही अगर एटीट्यूड रखना है बाहर जा रहे अभी अगर मुझे एक एक का अगर ढंग से अगर मुझे नहीं दिखाना अगर रिस्पॉन्स एक एक तरीके से बाहर भेज दूंगा लात मार के पिछले नौ क्लास से देख रहा हूं मतलब ठीक है अगर लाड़ प्यार में आ रहा है उंगली दे रहा हूं हाथ मन पकड़ो ऐसा ऐसे ऐसे खेल रहे हो फैकल्टी हूं ठीक है उसके हिसाब से वैसे चलो ठीक है दोस्ती आ रही है अपनी जगह फैकल्टी और पढ़ाई अपनी जगह पर यहां पर फिर ऑनलाइन क्लास हो फिर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता मेरे को मेरी क्लास में कोई बैठे या ना बैठे बाहर जाओ गेट लॉस्ट जाके रिफंड मांग लो मेरे को मेरी क्लास में जिस टाइम पे अगर पढ़ाने का चल रहा है पड़ेगा बस उस उस टाइम पे बच्चा मैंने पहले दिन समझाया था बीच में कोई हरकत नहीं पड़केगा देख रहा हूं साला अगर इधर उधर ये सब कर रहा हो पैन वैन फेंक रहे हो ये सब कर रहे हो लाड़ प्यार में मेरे को मत आओ क्लास के बाहर और जब पढ़ा रहा हूं तो मेरी तरफ चेहरा देखो चेहरा भी इधर उधर देख रहे हो पता नहीं हाँ अभी चल रहा है हाँ ठीक है सामने वाला चौथी बार पूछेगा ना तो हम उसको आंसर देंगे ये एटीट्यूड अगर बार दूसरी बार हुआ तो फिर ये एटीट्यूड से भी बहुत बुरा एटीट्यूड हो जाएगा मेरे को घंटा फर्क पड़ता है यहां पर ऑनलाइन स्टूडेंट और गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग है अगर पढ़ाना है तो फिर एक पढ़ाऊंगा कि फिर और कोई नहीं पढ़ा पाएगा फिर मेरे सामने और पर मुझे फिर अटेंशन भी वैसा चाहिए नहीं तो भाड़ में जाओ यार ग्यारह साल से पढ़ा रहा हूं बहुत बच्चे हैं मेरे पास नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और ये क्लास जो ये भी अभी बोला है ये रिकॉर्ड होगी या पेन ड्राइव में भी जाएगी देखेगा बच्चा हाँ यही एटीट्यूड है सर का ऐसा भी नहीं कि इसका कट लगेगा यही एटीट्यूड जाएगा क्लास में मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मतलब किस कौन कैसा सोच रहा है तो इसीलिए बोल रहा हूं मेरी क्लास में जिस टाइम पे मैं मस्ती के मूड में हूं ना मेरे से ओवर मस्ती करो टेंशन नहीं है मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा पर जिस टाइम पे अगर मैं पढ़ा रहा हूं मैं उंगली बोल के कर रहा हूं मैं जिस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे बता रहा हूं कि अगर आपने फोकस नहीं दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बे करके बाहर निकालूंगा मैं लिटरली बोल रहा हूं बेइज्जत करके बाहर निकालूंगा क्लास से आजकल के स्टूडेंट्स में एक वो आ गया है कि नहीं यार बस कोई टेंशन नहीं है अपन ने फीस पे किया अपनी चलेगी क्लास में चलेगी पर वो तेरे हिसाब से नहीं चलेगी मेरे हिसाब से तेरी चलेगी रूलर टीचर इज द रूलर स्टूडेंट इज नॉट द रूलर ने लॉस फॉर द पीरियड किसी भी पीरियड में क्या क्या आता है थ्री मंथस पीरियड में क्या आता है सिक्स मंथ्स पीरियड में क्या आता है ट्वेल्व मंथ्स पीरियड कैन भी एनीथिंग नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है बैलेंस शीट से की प्रॉफिट एंड लॉस से हाँ huh? प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट कहां से निकालते हो प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हो तो इसका मतलब इस फर्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं पहला वाला पॉइंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है मैं सिर्फ आपको स्कोप बता रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए किसी भी पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है कौन से प्रेजेंटेश पर ध्यान रखना है उसके बारे में कौन बात करेगा उसके बारे में ए एस फाइव बात करेगा कौन सा यस बात करेगा एएस1 अंडरस्टूड और नॉट शेड्यूल 3 पढ़ाया था मैंने आपको शेड्यूल 3 सबने देखा सबने पढ़ा है शेड्यूल 3 मैं सबने देखा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइन हुए तो अगर आपको याद हो शेड्यूल 3 में हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा था आपको याद हो जब शेड्यूल 3 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साइड में ए एस फाइव लिखवाया हुआ था याद आ रहा है आपको तो? उसकी बात हम आज करेंगे अभी करेंगे थोड़ी देर में और ये एक्स्ट्रोर्डनरी आइटम कहां पर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका मतलब है क्यू? कि टेल मी, AS5, शीट एस है कि है है तो क्या बोलोगे पी एंडल बेस्ड अंडरस्टूड और नॉट क्लियर हुआ कि नहीं ए एस फाइव पी एंडल बेस्ड एस एंडल पे फोकस करता है वो बैलेंस शीट पे फोकस नहीं करता बैलेंस शीट के लिए दूसरे ए एस रखे हैं हमारे पास आपको याद होगा जब हमने बैलेंस शीट भी डिस्कस किया था तो बैलेंस शीट में आपने देखा था मैंने कितने सारे ए एस के नाम लिखवाए थे ये सारे ए एस बैलेंस शीट बेस्ड ए एस है सो हमारे पास जितने भी ए एस होते हैं वो कुछ पेंडल बेस्ड होते हैं

किसी एक पीएनएल या बैलेंस शीट या डिस्क्लोजर पे फोकस नहीं करता ये ओवरऑल एक जनरल एएस है समझ आया कि नहीं रादर एएस फाइव रादर एएस फाइव इज मोर ओवर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ओनली किस पे फोकस करता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड सम एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स इट इट डजंट फोकस ऑन बैलेंस शीट अंडरस्टूड और नॉट सो नेट प्रॉफिट किसी भी पीरियड का नेट प्रॉफिट क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री सिक्स मंथली प्रॉफिट साल भर का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको किन बातों का किन प्रेजेंटेशंस का ध्यान में रखना है वो ए एस फाइव बताएगा अंडरस्टूड नॉट दूसरा स्कोप दूसरा प्रायर पीरियड आइटम्स इस ए एस फाइव में अलग अलग बातों पर फोकस किया गया है सेकेंड बात यह है कि प्रायर पीरियड आइटम्स प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब पिछले साल नाम से ही समझ में आ रहा है कि पिछले पीरियड के कोई आइटम है पिछले ईयर का कोई इनकम यहां पर आ रहा है पिछले ईयर का कोई एक्सपेंस इधर आ रहा है पिछले पीरियड में मैंने कोई गलती कर दी मुझे मालूम अभी पड़ा पिछले पीरियड में मैं डेप्रिसिएशन बुक करना भूल गया मुझे अभी मालूम पड़ा पिछले पीरियड में मैं प्रोविजन बनाना भूल गया पिछले पीरियड में मैं एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया तो कुल मिलाकर ऐसे आइटम्स जो है ओरिजिनली पिछले पीरियड के बट करंट पीरियड में हमें डिटेक्ट हो रहे हैं डिटेक्ट उसको कब किया जा रहा है करंट पीरियड में तो उसकी अकाउंटिंग उसका प्रेजेंटेशन उसके बारे में क्या होगा वो हम पढ़ेंगे ए एस फाइव में और ये भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पे एंडल बेस्ड आइटम है प्रायर पीरियड आइटम भी जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो ये आपको रियलाइज होगा डेफिनेशन के थ्रू की यह पे एंडल पर ही फोकस कर रहा है ये बैलेंस शीट पर फोकस नहीं कर रहा है ठीक है द थर्ड थिंग थर्ड थिंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे कि कोई एग्जाम्पल देगा किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में हमारे पूरे अकाउंट में कई सारी जगह पर हमें अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है किसी ना किसी चीज को लेकर आप एग्जाम्पल्स देंगे Depreciation एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगी मैं हाया नहीं बोल रहा हूँ जवाब दूंगा हर साल हम एक्सपेंस क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में चेंजेस करके वो अकाउंटिंग एस्टिमेट था वैल्यू कहां पर एसेट का वैल्यूएशन पर

ये मेरी अपनी खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है या फिर मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को एडॉप्ट करूंगा एस टू के पे मतलब कॉस्ट और एनआरवी तो तो ये एक अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है तो ठीक है ठीक मुझे अभी तक एक एक इफेक्टिवली ही मिला का yes. और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेरी गुड अकाउंटिंग का बेसिस दो होते हैं कौन कौन से दो बेसिस होते हैं कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस तो ये मेरा एक अपना अकाउंटिंग पॉलिसी है कि मैं कौन सी अकाउंटिंग कर रहा हूं ठीक है और

अंडरस्टूड और नॉट और एनीबडी मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे मेजर करूं या फिर मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे मेजर करूं ये भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है वो तो एस्टीमेट होता है मेरा वाला एग्जांपल क्लियर हुआ सबको किस पर इन्वेस्टमेंट्स क्या इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स को हम किस वैल्यू पे मेजर करेंगे अंडरस्टूड और नॉट ग्रुप वन में एक ए एस था ए एस टेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट याद आ रहा है उस ए एस टेन के अंदर दो मॉडल थे कि आप अपनी असेट को कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो या तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हो कुछ याद आ रहा है टू मॉडल्स थे ए एस टेन में कि आप अपने पीपीई को या तो कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो या तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हो ये आपको फॉलो करना है आपके ऊपर है

अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर स्टूडन वॉट सो देर कैन बी सो मेनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द डिफरेंट आइटम्रिटीजिंग पॉलिसी मैं अपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट नहीं करता हूं यह मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है प्रोविजन क्रिएट करना या प्रोविजन क्रिएट नहीं करना दिस इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर स्टूडन वॉट आ? या ये हो सकता है किसी एक एंटिटी की पॉलिसी हो सकती है कि हम तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं एस्टिमेट बेटिस पे किसी दूसरी एंटिटी की पॉलिसी हो सकती है ah, नहीं, 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 नहीं 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 हम 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 नहीं नहीं करेंगे प्रोविजन बनाएंगे डायरेक्ट बैड डेट बुक करेंगे जब होगा हम जब डायरेक्ट बैड डेट जब होगा ना तब बुक करेंगे ये काय का प्रोविजन बनाना अंडरस्टूड और नॉट ये समझ रहे हो कि नहीं तो किसी एक एंटिटी की पॉलिसी हो सकती है कि यार मैं तो भैया शुरू से ही मान के चलूंगा कि हर साल मुझे दो दो परसेंट का प्रोविजन क्रिएट करना है चाहे मुझे बैड डेट हो चाहे नहीं हो ये मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है और दूसरी कंपनी बोल रही नहीं 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 हम ऐसा नहीं करते काय का दो दो परसेंट का कुछ कर है, estimation है कभी होगा, कभी नहीं होगा 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 नहीं और जब actual होगा, हम तो actual book करेंगे बैड डेट तो बुकिंग एक्चुअल बैड डेट और मेकिंग प्रोविजन इज इट अकाउंटिंग पॉलिसी समझ में आ रहा है कि नहीं बात समझ में आ रही है पॉलिसीज फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम्स एक्सपेंसेस कोई पूछना है क्या? क्योंकि उस बच्चे ने भी depreciation का word बोला बोला था, था, मैंने इसको ये बोल के बोला कि नहीं, नहीं नहीं मैं मैं अभी नहीं दूंगा. मैं depreciation में अभी जवाब जवाब दूंगा, में देना चाह रहा पर ठीक है अभी आप पूछ रहे हो तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि depreciation की बात इसी ASY में आने वाली है. उंटिंग एस्टिमेट वाई आई विल यूटर समटाइम सर यह तो कुछ गड़बड़ है सर यह तो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है ना सर एस एल एम डब्ल्यू डीवी पॉलिसी होती है ये accounting policy हुआ करती थी जब तक ए एस सिक्स था थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि ए एस सिक्स डिलीट हो चुका है और ए सिक्स बोलता था कि जब भी आप मेथड ऑफ डेप्रेसिशन चेंज करोगे तो उसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे बट गड़बड़ खत्म जब से एस सिक्स डिलीट हुआ जब से शेड्यूल थ्री में चेंजेस हुए जब से रिवाइज हुआ तब से चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोला गया उसका लॉजिक क्या होगा वो मैं अभी इसी AS में एक्सप्लेन करूंगा आपको अकाउंटिंग पॉलिसी क्लियर हो गया पहले जल्दी बोलिए अकाउंटिंग पॉलिसी क्लियर हुआ कि नहीं तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्लियर है अब अकाउंटिंग पॉलिसी के आगे लिखा हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस करता हूं तो उन चेंजेस के रिस्पेक्ट में मुझे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करता हूं तो को करने के कारण मुझे कौन कौन से डिस्कलोजर देने हैं और उसका क्या इफेक्ट मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना है वो मुझे उसका ट्रीटमेंट ए एस फाइव बताएगा और इस ए एस में एक लास्ट आइटम और है ए एस में लास्ट आइटम और है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भले ए एस फाइव के नाम में कहीं नहीं लिखा हो एस फाइव के नाम में तीन चीजें लिखी हुई है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज जबकि इस ए एस फाइव में चार बातें डिस्कस होती हैं इंक्लूडिंग चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स तो मैं जब चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर आऊंगा तो यह डेप्रिसिशन और ये सब वाली बातें होंगी अंडरस्टूड और नॉट क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर कौन सा रख रहा हूँ नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती पहली बात तो ये हमारे ऊपर होता ही नहीं है हम लॉ की बात मान के चलते हैं इंडिया में आप बैलेंस शीट बनाओगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक की कोई मानेगा ही नहीं कहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी आर में आपको कौन सी बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी मार्च एंडिंग की इनकम टैक्स में आपको कौन सा सबमिट करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं मार्च एंडिंग होता है तो फिर आपका ये पॉलिसी कहाँ हो ये तो लॉ के थोड़ा डिसाइड हुआ ऐसी कोई भी चीज जो लॉ के द्वारा ऑलरेडी रूल बनाया गया है और वो आपको फॉलो करना है तो वो आपकी पॉलिसी थोड़ी है वो आपकी थोड़ी पॉलिसी वो तो लॉ ने बोल दिया आपको करना है दैट नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी सर आपने ये बताया था ग्रुप वन में यस yes, ये सब चीजें ग्रुप वन में हमने डिस्कस की थी यस yes. सो so, ये चार बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं एस फाइव में आ? वो आपकी मर्जी आप अगर लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो ए एस फाइव के ये चार स्कोप है ए एस फाइव में हमें ये चार बातों के बारे में पढ़ना होता है ठीक है नहीं लिखा क्या लिखना है ऑल राइट अब पॉइंट्स पर आते हैं देखिए मैंने यहां पर भी यही लिखा है द स्टैंडर्ड फोकस ऑन पी एंडल अकाउंट पीएडल अकाउंटिंग आइटम्स हेंस इट इज कॉल्ड बेस्ड स्टैंडर्ड ये जो स्टैंडर्ड है ये पीएंडल पे फोकस करता है पीएंडल के आइटम्स पे फोकस करता है पीएंडल के प्रेजेंटेशन पर फोकस करता है पीएडल से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स पे फोकस करता है और इसीलिए हम इसको पीएडल बेस्ड स्टैंडर्ड कहते हैं ठीक है इंडेक्स तो एज यूजल जो आपके सामने है वो कभी भी आपको आगे चल के अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो इंडेक्स को आप यूज कर सकते हो हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड ओके सो सबसे पहला पॉइंट नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड मुझे एक बात बताइए साल भर का मैं साल भर वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप फैमिलियर साल भर से होते हो मैं आपको कभी भी क्वार्टर बोलूं या ये बोलूं तो आप समझ तो रहोगे पर आप फैमिलियर किससे होते हो कि ईयरली प्रॉफिट और ईयर क्योंकि हम बचपन से यही सीखे कि यार साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तो मैं आपसे इसलिए साल भर साल भर बोल रहा हूँ पर जरूरी नहीं कि हमेशा साल भर की ही बातें हूँ तो पूरे ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है पूरे ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है पेंडल अकाउंट ठीक है ना अच्छा हम एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कंपनी की अगर हम पेंडल बनाए तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता पता ये चीज कैसे पता है शेड्यूल थ्री में हमने कहा देखा ट्रेडिंग ट्रेडिंग के भी तो सारे आइटम शेड्यूल थ्री में हमने देखा कि पेंडल में पेंडल के अंदर आ रहे थे

प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो कौन से आइटम्स आते हैं इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हाँ इनकम्स एंड अच्छा क्या सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस पेंडल के अंदर आते हैं कि कहीं और जाते हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस पेंडल में ही आते हैं कि पेंडल के अलावा कहीं और भी जा सकते हैं अगर जनरल सेंस में देखें तो पी एंड में ही तो आते उन्हें होने चाहिए ना जनरल सेंस में देखें तो सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंस कहां जाने चाहिए पी एंड में जनरल सेंस में बोल रहा हूं सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंस कहां जाने चाहिए पी एंड अंडरस्टूड और नॉट हाँ हाँ पर एक्सेप्शनली अगर कोई पर्टिकुलर इनकम है जिसका ट्रीटमेंट किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा प्रेस्क्राइब है कि वो पीएंडल में नहीं जाएगा तो क्या मैं उसको फिर भी पीएंडल में ले जाऊं हा नहीं ना जैसे कि हमारा एक एस ट्वेल है मैं जान के उन एस के नाम लूंगा जो ग्रुप वन से रिलेटेड है ताकि बच्चा थोड़ा बहुत फैमिलियर हो उससे पहले से ही फैमिलियर हो चुका हो हमारा एक एस ट्वेल्व है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व गवर्नमेंट ग्रांट जो कि कहता है कि अगर आपको ग्रांट रिसीव हुआ है असेट के अगेंस्ट असेट के अगेंस्ट अगर आपको ग्रांट रिसीव हुआ है डेप्रीशियबल असेट के अगेंस्ट तो आप जानते हो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है एस ट्वेल्व उसका ट्रीटमेंट क्या बताता है अगर आपको ग्रांट रिसीव हुआ है किसी डेप्रिशिएबल असेट के अगेंस्ट तो आपको वो ग्रांट कहां ले जाना चाहिए नहीं गलत दोनों का आंसर सही था एस ट्वेल्व कहता है कि अगर आपको किसी भी असेट शायद आपको याद होना चाहिए था आई एम सरप्राइज़ बाकी सब लोग भूल चुके हैं इस लेवल की पढ़ाई आप मत करिए आपको आपको एक अच्छी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी ये आप ऐसे वाली चीजें मत भूलिए जब भी हमें किसी डेप्रिशियेबल असेट के अगेंस्ट अगर कोई ग्रांट मिलती है

तो ये इनकम पेंडल में नहीं गया क्यों क्योंकि ए एस ट्वेल्व ने मना कर दिया किसने मना किया एस ट्वेल्व ने अच्छा एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं आप अगर कोई लोन लेते हो आप अगर कोई बोरोइंग करते हो लोन लेते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है करना पड़ता है कि नहीं अगर मैं आपको बोलूं कि आपने लोन लिया किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लोन लिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर, कर, करने के लिए और लोन के ऊपर लग रहा है इंटरेस्ट तो ये इंटरेस्ट को मैं कैपिटलाइज करूं बिल्डिंग में या फिर मैं इसको पी एंडल में ले जाऊं कैपिटलाइज स्टिल <Tank> <Tank> कंस्ट्रक्शन जब तक आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती तब तक आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करोगे ये कहां लिखा हुआ है ए एस सिक्सटीन में उसका नाम है बोरिंग कॉस्ट जो कि आपका था ग्रुप वन में मैं वही सभी आइटम के नाम ले रहा हूं जो आपके ग्रुप वन में पड़े हैं तो ए सिक्सटीन कहता है कि अगर आपकी कोई कॉस्ट हुई है अमाउंट आपने बोरो किया जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया और वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अगर आपकी किसी एसेट से रिलेटेड है वर्ड तो याद होगा ना लायक एसेट से रिलेटेड है तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे अदरवाइज अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है तो आप उसको पेंडल में ले जाओगे तो मुझे एस ने रोक दिया कि नहीं 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 तू पेंडल में मत ले जा तू तो इसको कैपिटलाइज कर अरे समझ में आ रही बात की नहीं बोलो बेटा क्लियर अगर मैं ये तीसरा तीसरा सवाल तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास एक मशीन है मैं अपनी मेरी मशीन की बुक वैल्यू आज मेरी मशीन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू दिख रही है फिफ्टी लैख फाइव जीरो मैं अपनी मशीन को रीवैल्यू कर रहा हूं क्या मैं रीवैल्यू कर सकता हूं यस और नो मैं रीवैल्यू कर सकता हूं ए एस टेन के अकॉर्डिंग मैं अपनी मशीन को अपवर्ड रिवेल्यू कर रहा हूं मैं अपनी मशीन को 50 लाख से 60 लाख पे रिवैल्यू कर रहा हूं 10 लाख रुपीज से रिवैल्यू कर रहा हूं एंट्री क्या करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी टू पेडल करूंगा क्या टू रिवैल्यूशन रिजर्व करूंगा रे ये भी तो मेरा दस लाख का फायदा हुआ पर क्या ये फायदा मैंने पेन्डल में डाला क्या मैंने किधर डाला बैलेंस शीट में रिवेल्यूशन सरप्लस में डाला हाँ? मुझे किसने बोला ऐसा करने को एस टेन ने बोला हाँ इसका मतलब अब मैं वापस आ रहा हूं जब तुम करंट ईयर का जब तुम किसी भी साल का प्रॉफिट निकालोगे लॉस निकालोगे तो वो प्रॉफिट लॉस तुम कहां से निकालोगे पीएंडल से तो तुम्हें पीएडल में सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंस डालने चाहिए क्या अब मेरा सवाल फिर से है मैं ये फ्रेश अप करके वापस से पूछ रहा हूं कि जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे तो तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस में दुनिया भर की सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंस डालने चाहिए क्या नहीं तो क्या कौन से डालने चाहिए इसको इस सेंस में बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस पीएंडल में जाएंगे एस ने उसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट ना दिया हो बोल सकते हैं कि नहीं हा? पेंडल बनाते वक्त आपको दुनिया की सारी इनकम पेंडल में ले जानी है दुनिया के सारे एक्सपेंसेस आपको किस में ले जाने पेंडल में ले जाने बट अगर किसी दूसरे एएस में कोई और ट्रीटमेंट बताया गया है उस पर्टिकुलर इनकम और एक्सपेंस का तो आप उसको पी एंडल में नहीं ले जाओगे आया समझ में कि नहीं हा क्लियर हुआ कि नहीं इसका मतलब इसको मैं अदर तरीके से बोल रहा हूं अब मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं आपको एस फाइव कहता है कि जो भी इनकम्स होंगी जो भी एक्सपेंसेस होंगे अगर उनके बारे में कोई भी ट्रीटमेंट किसी दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं बताया गया है तो मेरे पास आ जाओ मैं बताता हूं बताऊंगा पीएंडल में लेके जाना है समझ आया मैंने क्या बोला एस फाइव के अकॉर्डिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस कहां जाती है पीएंडल में ट्रीटमेंट ना बताएगी तो मैं कह सकता हूं क्या कि एस फाइव एक जनरल कैटेगरी एस है मतलब किसी भी इनकम और एक्सपेंस को पी एंड एल में डालने से पहले किसी दूसरे ए एस की रिक्वायरमेंट चेक कर लो अगर कहीं रिक्वायरमेंट नहीं लिखी तो तुम किसके पास जाओगे और एस फाइव क्या बोलता है पी एंड एल में अरे समझ आया कि नहीं हाँ तो अब हमें ये थोड़ा सा एक सोचना चाहिए कि हमने जब से कॉमर्स में कदम रखा है होश संभाला है जब से हमें हमारे स्कूलिंग टाइम से या कोई भी कॉलेज टाइम स्कूलिंग टाइम से हमने कॉमर्स पढ़ा है हमने पीएंडल के बारे में जब से सुना है हमें आज जाके समझ में आया कि पीएडल में जो इनकम और एक्सपेंस आती है वो क्यों आती है क्योंकि एस फाइव कहता है समझ में आ रहा है कि नहीं ये एस फाइव ही तो है जो कहता है कि आपको इनकम और एक्सपेंस किस में डालना है पीएनएल में डालना है किस में डालना है पीएनडल में डालना है अंडरस्टूड और नॉट अगर उस इनकम और एक्सपेंस का कोई और ट्रीटमेंट नहीं है तो वो पी एंडल में जाएगा समझ आया कि नहीं चलिए अब एक काम करते हैं जो मैंने बात आपको बताई वही सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है ठीक है अच्छा पहले सबसे पहले तो ये हेडिंग हो गई ये ये जो मैंने येलो कर दिया ये तो हो गया एक हेडिंग इसी हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते एस पर एस फाइव ऑल ऑल पर फोकस करना ऑल आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसिस इनकम और एक्सपेंसिस के सारे आइटम्स विच आर रिक्नाइज इन अ पीरियड जो किसी साल भर में हो रहे हैं कोई भी इनकम किसी पीरियड पीरियड मतलब यहां पर मैं साल ले रहा हूं ईयर ले रहा हूं तो किसी भी पीरियड के इनकम्स और एक्सपेंसिस सारे के सारे शुड भी इंक्लूडेड द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए आपको सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा आगे क्या लिखा है आगे क्या लिखा है अनलेस अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स और परमिट्स अदरवाइज किसी भी पीरियड का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको सारे के सारे इनकम्स और सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कंसीडर करने पड़ेंगे अनलेस अनलेस अदर एस रिक्वायर्स अदरवाइज परमिट्स अदरवाइज तो प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सारे इनकम्स लेने पड़ेंगे सर यहां पर शब्द कहीं पे भी पेंडल अकाउंट नहीं है पेंडल अकाउंट शब्द ना भी हो तो भी समझ में आ रहा है क्यों समझ में आ रहा है क्योंकि वो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सारे इनकम और सारे एक्सपेंस लेने पड़ेंगे नेट प्रॉफिट कहां से निकालते हो पी एटल से तो जरूर थोड़ी कि उसको ये नाम लेना पड़े नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सारे और सारे एक्सपेंसिस लेने पड़ेंगे अनलेस किसी एस ने कुछ और ट्रीटमेंट ना बताया हो अदर एस रिक्वायर्स और परमिट्स अदरवाइज अंडरस्टूड और नॉट एग्जाम्पल्स पढ़िए वही तीन एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए पढ़िए फिर yes. से रिपीट कर रहा हूं एस पर एस फाइव ऑल इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर अदरवाइज एग्जाम्पल एस टेन ऑन अपर्ड रिट्स ट्रांसफर टू रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट मतलब यहां पर ए एस टेन ने कह दिया कि अगर आप एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करोगे तो जो भी आपको फायदा हो रहा है आप उसको आप उसको उसको नेट प्रॉफिट के में नहीं करोगे कहा ले जाओगे रिवैल्यूशन सरप्लस में रिजर्व में आई बात समझ में कि नहीं नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप रिवैल्यूशन रिजर्व को नहीं ले सकते समझ आ रहा है कि नहीं ऑल राइट right. दूसरा ग्रांट रिसीव फॉर डेप्रिशियबल फिक्स बुक वैल्यू ऑफ जब आपको ग्रांट रिसीव होगा तो वो भी तो आपके लिए इनकम हुआ पर आप उसको नेट प्रॉफिट में आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे आप उसको लेस uh, uh, कर देंगे बोरइंग मतलब इंटरेस्ट अगर आपकी फिक्स असेट से रिलेटेड वो कॉस्ट रिलेटेड uh, है तो आप उसको की में कर दोगे। मतलब, हुई कि नहीं तो ये एक छोटा सा एक सिंपल सा पॉइंट हो गया पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें कौन से इनकम्स को लेना है और कौन से इनकम्स को नहीं लेना है कौन सा एक्सपेंस को लेना है कौन से एक्सपेंस को

कहीं और कुछ और लिखा हुआ है ट्रीटमेंट तो आप उसको नेट प्रॉफिट में नहीं ले जाओगे ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ध्यान रखा समझ आया कि नहीं ठीक है अभी भी ये पॉइंट चल रहा है हमारा नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर सेकेंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड ऑफ फॉर द पीरियड कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स चलिए मैं इसको रिफर करने के लिए शेड्यूल थ्री पे जाऊंगा इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास आपके पास अभी शेड्यूल थ्री होना चाहिए नॉट नेसेसरी कोई दिक्कत नहीं है शेड्यूल थ्री में अगर हम देखें तो क्या कहीं पर शेड्यूल थ्री के पी के जो 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 पी का जो फॉर्मेट है शेड्यूल थ्री का कहीं पर आपको एक्स्ट्रा आइटम करके सेपरेट हेड दिखता है क्या

अरे अभी थोड़ी देर पहले तो दिखाया था नलायकों एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम ए एस फाइव के अकॉर्डिंग है तो इसका मतलब ये आई ये हेड को अगर हटा दू तो बाकी जितने भी आइटम्स हैं वो सब क्या हुआ ऑर्डनरी एक्टिविटीज वो सब क्या हुआ वापस से ए एस फाइव का पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है सेकेंड नंबर पॉइंट जो अभी हमने शुरू किया है एएस एस फाइव का क्या क्या लिखा है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियड कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड तो ये कह रहा है कि जो तुम पी एंडल बनाते हो ना और जो तुम्हारा उस पी एंडल में लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आता है जो इस पी एंडल में तुम्हारा जो लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है फिफ्टी करोड़ ये फिफ्टी करोड़ दो आइटम से मिलकर बनाए कौन से दो आइटम प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और दूसरा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो अलग से दिख गया मुझे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के आइटम्स कौन से हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को छोड़कर जितने भी आइटम्स हैं वो सब कौन से हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है अच्छा सर ये क्या है सर ये क्या है तो ये क्या हुआ ऑर्डिनरी की एक्स्ट्रॉर्डनरी ये भी ऑर्डिनरी हुआ ना क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी तो अलग से दिखा हुआ है और एक्स्ट्रॉर्डनरी को छोड़कर जो भी हुआ वो क्या हुआ ऑर्डिनरी तो एक्सेप्शनल आइटम भी किस कैटेगरी का होता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी अंडरस्टूड और नॉट हा तो आपके प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने में जितने भी आइटम्स आते हैं वो आइटम्स कहीं ना कहीं उसको आप दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हो कौन से दो हिस्से प्रॉफिट एंड लॉसेज फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटीज ऑर्डनरी आइटम मत बोलना प्रॉफिट एंड लॉसेज फ्रॉम ऑर्डनरी ऑर्डनरी एक्टिविटी होती है और दूसरा एक्स्ट्रॉर्नरी एक्टिविटी नहीं होती आइटम देखो तेरे से डिफरेंस एक्टिविटी वर्ड कहां यूज हो रहा है ऑर्डनरी के साथ और आइटम वर्ड कहां यूज हो रहा है एक्स्ट्रॉर्डनरी के साथ क्यों क्योंकि जब तुम बिजनेस कर रहे हो दिस इज योर एक्टिविटी ंग बिजनेस एक्टिविटी ना जब तुम बिजनेस कर रहे हो जब तुम सेल परचेस कर रहे हो जब तुम डेटर से पैसा ले रहे हो पेमेंट uh, कर रहे हो लोन ले रहे हो लोन दे रहे हो मशीन खरीद रहे हो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वॉट इज दिस एक्टिविटी सो दिस इज योर ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दिस इज योर ऑर्डिनरी एक्टिविटी दिस इज योर बिजनेस एक्टिविटी अंडरस्टूड ऑन नॉट पर बिजनेस करते करते तुम्हें कुछ ऐसे नुकसान हो जाए जो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे जैसे फायर फायर अकर अकर हुआ फैक्ट्री में और अकर होने से नुकसान हो गया तो वो क्या हुआ क्या वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी थी क्या? तुमने की क्या सो इसलिए यूज द वर्ड मतलब किसी भी वर्ड को उठाने से पहले पहले थिंक टेन टाइम्स कि मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं उसको लेकर पहले समझो ऑर्डनरी के साथ मुझे कौन सा वर्ड वर्ड यूज करना है एक्टिविटी और एक्स्ट्रॉडनरी के साथ मैं एक्टिविटी वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं देर कैन नॉट बी एक्स्ट्रॉर्नरी एक्टिविटी देयर कैन नॉट बी वॉट एवर द एक्टिविटीज यू आर डूइंग इन योर बिजनेस दैट इज ऑर्डनरी दिस इज योर योर बिजनेस ना यू आर डूइंग इन योर बिजनेस वट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी कैन नॉट बी एक्टिविटी एक्स्ट्रॉर्डनरी कैन बी द आइटम which is not a part of your business like loss because of earthquake loss because of fire and theft understood or not so these are extraordinary items they are not they are not activities understood guys you are doing your business you are making purchases and sales you are you are paying the salary to your employee you are paying salary to the employee even तुम्हारा का यूनियन स्ट्राइक पे आ गया और स्ट्राइक के कारण तुमने उसका सैलरी बढ़ा दिया बिकॉज़ तुमने उसको सैलरी दिया ना यार करने के लिए. अब सुनो तुम्हारा तुम्हारा बिजनेस है लैपटॉप बेचना कंप्यूटर बेचना लैपटॉप बेचना कंप्यूटर बेचना इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचना पर तुमने बिल्डिंग बेचा यही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम का ऐसा हुआ ये भी तो बिजनेस से रिलेटेड है ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है ना बेटा ये बिजनेस किसके अंदर कर रहा हो बिल्डिंग में तो बिल्डिंग अगर तुम खरीद लेते हो तो क्या ये ऑर्डिनरी ये क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज हो गई क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी मीन विच इज नॉट योर बिजनेस विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस समथिंग विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद योर बिजनेस विल बी ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिल्डिंग यू आर डीलिंग इन द लैपटॉप प्रोडक्ट तुम्हारा धंधा क्या है लैपटॉप बेचना सर्विसिंग करना रिपेयरिंग करना कंप्यूटर पर तुमने एक नया बिल्डिंग खरीदा तुमने पुराना बिल्डिंग बेचा दैट इज और वो तुम्हारे बिजनेस के बैलेंस शीट में दिख रहा था वो भी तुम्हारा ऑर्डनरी एक्टिविटी है समझ में आया कि नहीं हा तुमने अलग से एफडी बनवा ली बिजनेस से पैसा कमा के एफ डी बना दैट इज ऑल्सो ऑर्डनरी एक्टिविटी अंडरस्टूड और नॉट क्योंकि पैसा तुमने बिजनेस से ही कमाया समझ में आया कि नहीं बट समथिंग विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज योर एक्स्ट्रॉनरी आइटम अब सच बात में अगर देखा जाए अब मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं और ये सिर्फ नॉलेज वाली बात है सुनना मेरी बात ध्यान से नॉलेज वाली बात है

कभी कभार ये प्रैक्टिकल में मन में आता है कि यार ये सर चल क्या रहा है भाला ऐसी कनेक्टेड तो, तो तो है अर्थ को एक हुआ तो अर्थ को मेरे, को मेरे को बिजनेस से नुकसान बिजनेस में नुकसान हुआ तो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड हुआ सर इसी वजह से आपको ये एक बता रहा मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं यहां ए एस में इतना उलझन कर दिया है इतना उलझा दिया है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम और ऑर्डनरी एक्टिविटी

दो कैटेगरी बनाई गए तू एक ही रखना सीधा सीधा क्या नॉर्मल कैटेगरी इज नो नॉट समझ में आ रही कि नहीं सो बट बट वॉट वी कैन डू हम कुछ नहीं कर सकते हमें ए एस में बताया गया तो हमें समझ करना पड़ेगा तो इन एज पर एस ये आर टू कैटेगरीज आर आर सच टू कैटेगरी ऑर्डनरी एक्टिविटीज एंड एक्सट्रॉर्डनरी आइटम बट वेन वी टॉक अबाउट एक्स्ट्रॉर्नरी आइटम्स हम उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे पहली बात तो और मैं आपको उसके एग्जाम्पल भी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ एक्सट्राइन आइटम है यही वाले आइटम आते हैं बस डेट्सिट बाकी नहीं आते हैं तो एक आइडिया लग जाएगा समझ आ रहा है कि नहीं इंटरनेशनली इन डेज पे इंस्टेंट फोकस ये किया गया है कि सब कुछ ऑर्डिनरी एक्टिविटी होता है पर हाँ अगर जैसे चोरी हो गई अर्थ को एक या कुछ हो गया तो वो भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है पर तू उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखा दे

अब एक एक्सेप्शन भी है एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम भी है और ऑर्डनरी एक्टिविटीज तो है ही सही और ये कहा जा रहा है कि एक्सेप्शनल आइटम भी ऑर्डनरी एक्टिविटी का ही हिस्सा है तो कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ ना अंडरस्टूड और नॉट बट नॉट एन इश्यू हम जब उसको डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन करवाने वाला भी मैं ही हूं क्योंकि मैंने ही आपके सामने ये सब पॉइंटर्स रखे है ना आपके मन में आ रहा होगा पर वो इतना क्लियर कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा जितना क्लियर कंफ्यूजन मैंने करवा दिया मन में चल रही होगी खुशबूस खुसबूस खुशबूस खुशपुस बट मैंने तरीके से वो एक शूट कर दिया कि हाँ देखो ये चीज है तो तुमने बोला हाँ यार ये तो चीज हो रही थी थोड़ा सा समझ में आ, सर, समझ में में तो आ आ रहा रहा है है कि नहीं सर तो पर सर क्या सर इकतीस तारीख को आपने बैंड बजा दी सर ठीक है ना मैं अभी उसको एक एक चेक करके क्लियर करूंगा समझ में आ रही कि नहीं बोलो ओके okay. ये मूड में आ गया आज बढ़िया थोड़ा सा डोज देना जरूरी है पर सर क्या सर इकतीस तारीख को ही डोज देना था आपको सर छुट्टी चाहिए तेरी छुट्टी मैं हमेशा कर दू छुट्टी चाहिए तेरे को चलिए बहुत शानदार कौन कौन जा रहा है ट्रैक्टर जाओ ना जाओ ना ट्रैक पे जाते हैं तो सुबह सुबह जाते है। कौन सा सुबह सुबह क्लास ले रहा से लेट आएंगे कोई बात नहीं YouTube पे क्लास देख लेना मत करो क्लास मैं भी घर से क्लास ले लूंगा आई डोंट एनी प्रॉब्लम तुम बोलो तो मैं घर से क्लास ले सकता हूं तुम्हारी छुट्टी मैं तो क्लास लूंगा नहीं कुछ ट्रैक व्रैक कुछ नहींजोरिटी नहीं, नहीं। बोलो करो मेजोरिटी हाँ चलो चलो देखते ना मेजोरिटी क्या बोलता है यहां क्लास रखनी है कि यूट्यूब पे रखनी है क्लास नहीं इधर के लिए हाथ ऊपर करो के इधर के लिए हाथ ऊपर करो भाई इधर की क्लास के लिए हाथ ऊपर करो यूट्यूब की क्लास वाले हाथ ऊपर मत करो Good. टाइमिंग पे बात नहीं हो रही है यहाँ की क्लास के लिए बस हाथ ऊपर करो टाइमिंग पे बाद में बात करेंगे टाइमिंग पे बाद में बात करेंगे पहले हाथ ऊपर करो इधर की क्लास के लिए हाथ ऊपर करो मेजोरिटी दिख रहा है तुम सबके सामने ठीक है ना सिंपल है जो नहीं आना चाह रहा है तो वो अच्छा वैसे आपकी दूसरी क्लास तो है नहीं जो नहीं आना चाह रहा वो मत आए रात को देख लेना हाँ? मैं कल का लेक्चर यूट्यूब पर दे दूंगा दो दिन के लिए वो बोल रहा है तू काफी है ना डाउट पूछने के लिए <laughs>

इसलिए वो बोल रहा है प्रॉफिट्स लॉसेस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मेजरली तुम्हारा प्रॉफिट लॉस किससे बना होता है और कुछ आइटम्स ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं ठीक है अब अपन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की डेफिनेशन में आते हैं पढ़िए ऑर्डिनरी एक्टिविटी की डेफिनेशन में आइए पढ़िए थोड़ा जोश से पढ़ो यार आखिरी साल, साल का आखिरी दिन है थोड़ा सा जोश दिखाओ एज अ part of its business. <laughs> koi bhi activity, jisko entity, kar rahi hai. undertaken by the enterprise. any activity which is undertaken by the activity, enterprise. enterprise is selling the, uh, selling the goods activity. enterprise is purchasing the goods activity. enterprise is uh, uh, making loans or borrowing the money, providing loans. it is an activity as a part of the business. Huh? i am investing my money somewhere. इट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी अंडरटेकन बाई द एंटरप्राइज एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस अंडरस्टूड नॉट आगे क्या लिखा है अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, है सबसे पहले को कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस का पार्ट हो और कोई दूसरी रिलेटेड हो क्या आगे रिलेटेड क्या बोल रहा है इन फर्दरेंस ऑफ इंसिडेंटल टू और अराइजिंग फ्रॉम दीज एक्टिविटीज एग्जाम्पल सेल ऑफ मर्चेंडाइज लॉस ऑन सेल ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री या फिर कोई भी बिजनेस करने से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड अपने आप कुछ आइटम्स अकर हो रहे हैं जैसे आप इन्वेंट्री परचेज करके लाए इन्वेंट्री तो यह तो आपका ऊपर आ गया अंडरटेकन बाय द एंटिटी एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस परचेस ऑफ इन्वेंट्री बोलो बेटा इन्वेंट्री रखे रखे सड़ गया इन्वेंट्री रखे रखे सड़ गया नुकसान हो गया तो ये जो नुकसान है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहां लिखा है आगे लिखा है सच रिलेटेड एक्टिविटी इन विच इंटरप्राइज इंगेजेस इन फर्दरेंस ऑफ आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंसिडेंटल टू उससे जुड़ा हुआ और अराइजिंग फ्रॉम दोज एक्टिविटीज सच एज प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मर्चेंडाइज और लॉस ऑन अनसोल्ड गुड्स या सेल ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री अंडरस्टूड और नॉट तो कोई भी डायरेक्ट एक्टिविटी या भी कोई भी इनडायरेक्ट एक्टिविटी ओवरऑल आपके सब बिजनेस से अगर जुड़ी हुई है तो वो ऑर्डनरी एक्टिविटी आएंगी समझ आया कि नहीं ऑर्डनरी एक्टिविटी ठीक है क्लियर हुआ yes, कुछ पूछना है तेरे क्या हुआ वो साइड वाले ने उंगली की क्या है? मेरे एक्सप्रेशन पे मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया <laughs> क्या कैसे दिया मैंने करके बता करके बताओ करके तुम कैसे दिया बोल बोल करके दिखा सब सब देखो देखो इसको करके दिखा करके दिखा अच्छा इसके इसके डाउट पे पूछा मैंने कैसे किया मैंने भी <laughs> अलग ही आइटम है 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 ना एक आइटम तू अलग आइटम चलो कोई नहीं हाँ क्या करना है ऑर्डनरी एक्टिविटीज का सुनिए ध्यान से सामने क्या लिखा है डू आइटम्स ऑफ एक्टिविटीज ऑर्डनरी एक्टिविटी के आइटम्स का आप करेंगे क्या ए एस फाइव ने उसका ट्रीटमेंट क्या बताया आपका नाम क्या बेटा भावेश उठ के आप इसको रीड करो उठ के रीड करो सामने हाँ, ये वाला major... एक सेकेंड अगर मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूं पढ़ने को तो आमतौर पर यह होता है कि हम हमारा ध्यान होता है उस लड़के के ऊपर उस लड़की के ऊपर कि हाँ वो पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है पर हमारा ध्यान होना चाहिए वर्डिंग पर वो अपना पढ़ रहा है हमें अपने वर्डिंग पर ध्यान देना है ठीक है वेन आई इंसिस्ट समन कि यू शुड रीड दैट मीन्स कहीं ना कहीं टीचर मान के चल रहा है कि यार ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आई है इसीलिए वो फोकस बच्चे पे करवा रहा है ओके ठीक है बेटा फिर से पढ़ और आप लोग फिर से ध्यान से सुनेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करना है ये ध्यान से देखेंगे चलो इसका मतलब क्या हुआ ऑर्डरी एक्टिविटीज के आइटम्स का क्या कर, किया किया जाएगा क्या करोगे तुम लोग उसका चलो साइज और नेचर बैठ जाओ कोई भी जब कोई भी इनकम और एक्सपेंस ऑर्डिनरी एक्टिविटी की जब कोई भी इनकम और एक्सपेंस की कोई ऐसी पर्टिकुलर साइज है कोई पर्टिकुलर साइज़ मतलब यहां पर साइज का मतलब क्वांटिटी से है साइज मतलब अमाउंट से है समझ रहे हो कि नहीं किसी भी इनकम और एक्सपेंस का मतलब साइज ऐसा है मैं नेचर पे आ ही नहीं रहा हूं साइज ऐसा है कि उसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है डिस्क्लोजर करने से ही हम उसके साइज के बेसिस पर हम एंटिटी का परफॉर्मेंस एक्सप्लेन कर पाएंगे एंटिटी का बचपन में आपने ना दो चीजें पढ़ी थी पोजीशन, परफॉर्मेंस बैलेंस शीट आपको पोजिशन बताती है पढ़ी थी ना आपने बचपन में बैलेंस yes. शीट आपको एक पर्टिकुलर डे की पोजिशन बताती है औकात बताता है आपके की क्या औकात है आज के दिन और पी एंडल आपको क्या बताता है परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर पीरियड का एक ईयर का परफॉर्मेंस बताना है कि आपने इस पर्टिकुलर ईयर में क्या खोया क्या पाया आपने कितना कमाया परफॉर्मेंस अगर मुझे अपने एंटिटी का परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करना है फॉर एग्जाम्पल तुम सब मेरे सामने शेयर होल्डर्स बैठे हो और मैंने तुम सबको एक एक कॉपी कॉपी दे दी एंडल की फोटो कॉपी दे दी पी एंडल की करंट ईयर का एंडल है तुम मेरे शेयर होल्डर्स हो एंडल की मैंने कॉपी दे दी और उसमें नेट प्रॉफिट दिख रहा है फाइव हंड्रेड करोड नाउ यू गाइज आर रिक्वायरिंग मी टू एक्सप्लेन कि ये 500 करोड़ का प्रॉफिट इस बार कम क्यों हुआ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन समझ रहे हो कि नहीं तुम्हारे सामने पेंडल है पांच पे 500 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है पिछले साल का प्रॉफिट हुआ था पंद्रह करोड़ का इस बार प्रॉफिट हो गया पांच करोड़ का तुम तो शेयर होल्डर हो यू गाइज वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन वाई दिस बीन रिड्यूस्ड वाई दिस बीन रिड्यूस्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन वट आई हैव टू एक्सप्लेन आई है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ तो मैंने बोला इस बार हुई रेवेन्यू जो हमारा हुआ है उसका इस बार साइस बहुत ही छोटा हो गया बिकॉज ऑफ कोविड हमारा इस बार साइज ऑफ रेवेन्यू बहुत ही छोटा हो गया है एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर वेयर आई कैन से कि हमारा प्रॉफिट कम क्यों हुआ है सो so, मैंने क्या एक्सप्लेन किया परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसको पॉइंट आउट करना पड़ा किसी आइटम को आइटम को किस बेसिस पे पॉइंट आउट किया साइज के बेसिस पे अंडरस्टूड और नॉट बोलो बेटा या इसको ऐसे समझो कि तुम्हें एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करना है कि 500 करोड़ का प्रॉफिट क्यों हुआ तुमने फाइंड आउट किया कि ये 500 करोड़ का प्रॉफिट उन कुछ चार रीजंस की वजह से हुआ है चार आइटम्स की वजह से हुआ है चार के अलावा बाकी जितने भी आइटम्स हैं उन पे फर्क नहीं पड़ा तो वो चार आइटम्स का या तो साइज़ बड़ा होगा या तो गिरा होगा या तो उनका कोई नेचर डिफरेंट होगा अब वापस से इस पॉइंट को पढ़िए वापस से इस पॉइंट को पढ़िए खुद से पढ़िए जल्दी अपने मन में जल्दी जब कोई इनकम या जब कोई एक्सपेंस किसी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हो और उसका साइज कुछ ऐसा है या उसका नेचर ही कुछ ऐसा है कि उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है सो so दैट हम एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन कर सकें मतलब एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ साइज ऑफ दैट आइटम बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ दैट आइटम तो ऐसे केस में मुझे उस आइटम का नेचर और अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए मेरे एल में अगर मुझे अपनी एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करना है और मेरे एल में सौ आइटम्स हैं, सौ मिला कुल तो मिला के सौ आइटम्स हैं, हंड्रेड आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड है, एक्सपेंसेस हैं क्या एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एक आइटम लूंगा क्या मुझे कुछ तो पता होगा ना कि ये सौ आइटम्स में से ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगे जिसकी वजह से मेरे एंटिटी में या तो प्रॉफिट गिरा है या तो बढ़ा है समझ में आ रहा है कि नहीं क्या सौ के सौ आइटम जरूरी होंगे क्या हाँ डला तो उसमें चाय का खर्चा भी होगा क्या चाय के एक्सप्लेन तो चाय के खर्चे को भी मुझे क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा मतलब परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने के लिए क्या मैं चाय का खर्चा बताऊंगा क्या हा? परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने के लिए तेरे को कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम बताने पड़ेंगे जिसका नेचर डिफरेंट हो नेचर जरूरी है बताना या फिर साइज मैटर कर नॉट बोलो बेटा अरे कुछ तो होगा ना कि तेरा नेट प्रॉफिट बड़ा क्यों है किसकी वजह से बड़ा है या किसकी वजह से गिरा है ऐसे कुछ ही तो आइटम होंगे ना उसको तू सेपरेटली डिस्क्लोज कर क्योंकि उन आइटम्स को सेपरेट डिस्क्लोज करने का रीजन ये है क्योंकि उन आइटम्स की वजह से तुझे अपना परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा समझ आया कि नहीं आ? तो तू उनको क्या करेगा सेपरेटली डिस्क्लोज करे अंडरस्टूड और नॉट अब इसमें भी बात करते हैं हम सेल्स को तो वैसे भी सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल्स का तो एक सेपरेट हेड है ना दादा समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छा हम एम्प्लॉज से रिलेटेड एक्सपेंसेस को तो वैसे भी सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं कौन से हेड में एम्प्लॉय बेनिफिट हम तो इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड सेपरेटली एक्सप्लेन करते हैं कहां दिखाते हैं इन सबको सेपरेटली तो करते हैं फिर दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि जो तुम उन एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस के लिए दिक्कत है जिनके लिए सेपरेट हेड नहीं बनाया गया है जिसको तुम अदर कैटेगरी में डालते हो डालते हो कि नहीं डालते हो तो सवाल ही उठता है कि तुम अब उसको अदर में डालोगे कि तुम उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखाओगे तो अगर उसका साइज और नेचर ऐसा है जिसको मुझे सेपरेटली शो करना पड़ेगा टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस तो मैं उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखाऊंगा क्योंकि तो बाकी सभी के लिए तो सेपरेट हेड बने हैं ना क्या मैं सेल्स को एक्सेप्शनल आइटम बताऊंगा क्या उसके लिए तो सेपरेट हेड है ना यार उसको क्या मैं सेपरेटली डिस्कलोज करूं सेपरेटली डिस्कलोज हो तो रहा है वो बेनिफिट एक्सपेंस सेपरेटली हो तो रहा है फाइनेंस का सेपरेटली डिस्कलोज हो तो रहा है डेप्रिसिएशन सेपरेटली डिस्क्लोज हो रहा है इन्वेंट्री से जुड़े हुए जो भी आइटम्स हैं वो चेंजेस इन इन्वेंट्री में जा रहे हैं या तो वो परचेज में आ रहे हैं या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जा रहे हैं स्टार्टिंग के तीन आइटम के वही तो पीएनएल चलो टेस्ट करता हूं हूँ पीएनएल जो एक्सपेंस वाला हेड है उसमें कितने आइटम आते हैं सेवन भूल गए मैंने सेवन आइटम आते हैं पहला आइटम कौन सा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो कि रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में होता है दूसरा आइटम कौन सा होता है

अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं मैं उनको कहां दिखाऊंगा अदर्स में समझ आ रहा है कि नहीं पर अदर्स में ही अगर मान लो कोई ऐसा आइटम है जिसका साइज और नेचर रेलेवेंट एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं उसको अदर्स में ना दिखा के मैं उसको कहां दिखाऊं एक्सेप्शनल में कहां दिखाऊंगा अब एक और बात याद दिला देता हूं एक और बात शेड्यूल 3 पे जाके याद दिला देता हूं आपको याद होगा शेड्यूल 3 पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक ये बात पढ़ाई थी ये ये वाली बात याद है एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड वन परसेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन और रुपीज वन लैख विच एवर इज हायर इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं अदर्स में भी कुछ याद आ रहा है कि नहीं मतलब शेड्यूल थ्री भी बोल दिया कि भाई कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस अगर वो रेवेन्यू का एक परसेंट है या फिर वो कितना वन लैख Is है, तो उसको तू सेपरेटली दिखाएगा हा? बोलो बेटा अब देखो ए एस और शेड्यूल थ्री कितनी आ, एक जैसी बातें करते हैं शेड्यूल थ्री ने अपने तरीके से बोल दिया कि सेपरेटली डिस्क्लोज करेगा ए एस फाइव ने अपने तरीके से बोल दिया कि अगर उसका साइज और नेचर ऐसा है जो कि परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है तो उसको सेपरेटली डिस्कलोज करेगा ए एस फाइव ने कोई लिमिट दे, दे दी क्या पर शेड्यूल थ्री ने लिमिट दे, दे दी समझ आ रहा है कि नहीं आ? तो यहां पर आप मुझे ये बताइए इस पॉइंट का रेलेवेंस क्या है ये, ये पूरे पैराग्राफ का इंटेंशन क्या है कोई भी इंपॉर्टेंट आइटम हो जो कि क्वेंटिटी के परफॉर्मेंस से रिलेट करता है कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने के लिए उसको आप अलग से दिखाइए या तो या तो एक्सेप्शनल आइटम के अंदर दिखा दो हाँ या तो अदर्स में ही अगर दिखाते उसको सेपरेटली करके दिखा दो नोट्स और अकाउंट्स में उसके बाद में अब जैसे एंटिटी बोलेगी कि करंट ईयर में बिकॉज ऑफ कोविड हमें डेट्स बहुत ज्यादा हुए ये काम कहां चल रहा है कभी ऊपर से आता है ओके okay. करंट so, ईयर में मुझे बिकॉज ऑफ कोविड कई सारे बेड डेट्स हुए बिकॉज ऑफ कोविड कई सारे बेड डेट्स हुए तो वो बेड डेट्स के कारण मेरा प्रॉफिट गिरा तो मैंने क्या किया मैंने परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने के लिए क्या रीजन लेके आया क्या रीजन लेके आया बेड डेट सो बेड डेट इज द आइटम आई हैव टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली मैं कहां डिस्क्लोज करूं या तो अदर्स में अगर डिस्कलोज हूं तो उसका सेपरेट डिस्कलोजर दे दूं या तो मैं उसको एक्सेप्शनल आइटम में ही दिखा दू बोलिए बेटा समझ आ रहा है कि नहीं ये ऑथर्स नोट पढ़ लीजिए एक बार इंक्लूड्स एक्सेप्शनल आइटम्स ऑल्सो एंड इट सेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज अब सम एग्जाम्पल मतलब एक्सेप्शनल कैटेगरी में कौन कौन से आइटम जाएंगे उसके एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि राइट एनी थ्री और फोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स या राइट एनी थ्री और फोर आइटम्स विच कैन बी सेपरेटली डिस्कलोज अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी के लिए पढ़ लीजिए ये सारे एग्जांपल्स प्लीज एक बार राइट right. क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या लिखा है द राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी ऑफ सच राइट डाउन कोई एग्जाम्पल क्या राइट डाउन टू राइट डाउन ऑफ टू एनआरवी क्या है ये पॉइंट तुमने गुड्स परचेज किए सौ रुपए में तो ये सौ रुपए तुम्हारे तो लिए क्या हुई एंट्री क्या करोगे एंट्री सोचने में टाइम लग रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर हाँ तुम इस परचेज को कहाँ ले जाओगे पेंडल में ट्रेडिंग पेंटल में हाँ इस परचेज अकाउंट को कहाँ ले जाओगे क्लोज करके पेंडल में ले जाओगे ना तो तुम इसको क्लोज करके ट्रेडिंग अकाउंट में ले गए ट्रेडिंग पेटल में कहाँ लिखोगे परचेज डेबिट साइड हंड्रेड क्लियर क्योंकि तुमने इसको क्लोज करके क्या ले गए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज यही एंट्री हुई तुमने इसको क्लोज किया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज क्लोज हो गया तो तुमने इसको कहाँ ले गए ट्रेडिंग अकाउंट में तुमने बोला यार मैं तो इसकी ट्रेडिंग करूंगा मैं तो इसकी ट्रेडिंग करूंगा मैं इसको आगे चल के बेचूंगा कम से कम मुझे सौ रुपए तो रियलाइज होंगे ही होंगे कुछ भी हो जाए बोलो बेटा समझ आया कि नहीं साल भर हो गया तुमने गुड्स सेल नहीं कर पाए तुम तुम गुड्स सेल नहीं कर पाए और इन गुड्स की वैल्यू क्योंकि तुम गुड सेल नहीं कर पाए तो बताओ जब तुम ये गुड सेल नहीं कर पाए तो क्या ये 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 तुम्हारा खर्चा हुआ क्या? गुड्स तो 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 फ्यूचर में बिकेंगे ना, तो तो तुम्हारी बन जाएगी ना तो जो खर्चा तुमने बुक किया उसको रिवर्स करो ना इसीलिए हम यहां पर क्या लिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक हंड्रेड वन में पढ़ाता हूं स्टार्टिंग की दो क्लासेस में

क्योंकि वो सेट हो गई द सिंपल लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट बट जैसे ही मैंने उसको क्लोज किया अब सुनना मेरी बात ध्यान से जैसे ही मैंने उसको क्लोज किया जैसे ही मैंने उसको क्लोज किया तो मैंने देखा अरे यार क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हंड्रेड रुपीज का नहीं है वैल्यू गिर गई साल भर में गुड्स की वैल्यू गिर गई वो नाइनटी रुपीज का है मतलब मैंने खर्चा कितना मैंने मैंने गुड्स खरीदते वक्त पे कितना किया था जबकि आज मेरे गुड्स की वैल्यू कितनी है हा? तो मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी पे दिखा रहा हूं कॉस्ट कितनी ओरिजिनली हंड्रेड जबकि दिखा कितने रहा तो मैं अपनी इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर दिया मैंने मैंने अपनी को राइट ऑफ कितने से किया टेन रुपीज से ये मेरा नुकसान हुआ कि नहीं बोलो बेटा ये मेरा ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम है फिर से पूछ रहा हूं ये मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि एक्स्ट्रॉडनरी आइटम है

री स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड रिवर्सलजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ री स्ट्रक्चरिंग एक वर्ड है री स्ट्रक्चरिंग इसको डिफाइन किया गया है ए एस ट्वेंटी नाइन में रीस्ट्रक्चरिंग इसको मैं कैसे आपको बताऊं सुनिए रीस्ट्रक्चरिंग मतलब बिजनेस बदलना इज नॉट रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस करने के तरीके को बदल देना इज रीस्ट्रक्चरिंग अंडरस्टूड और नॉट कोरोना से पहले कोरोना से पहले सारे लोग कोचिंग क्लासेस फेस टू फेस पढ़ाते थे आज हर किसी के रूम में कैमरा आ गया है कंप्यूटर आ गया है और हर किसी के पास क्या आ गया है यूट्यूब आ गया है तो बिजनेस तो वही है सर्विस तो वही है सर्विस देने का मोड बदल गया दिस इज वॉट वी कॉल रीस्ट्रक्चरिंग अंडरस्टूड और नॉट समझ आया बेटे तेरे को रीस्ट्रक्चरिंग ओ भी समझ आया कि नहीं निन्नी आ रही है हा? निन्नी निन्नी आ रही है नहीं अभी तो कर रही थी हाँ सो so, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब हम बिजनेस जो कर रहे हैं हम बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस ला रहे हैं बिजनेस के करने के तरीके को बदल रहे हैं अरे समझ आ रहा है कि नहीं क्लियर तो रीस्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग जब कोई एंटिटी प्लान करती है जब कोई एंटिटी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान करती है बड़े लेवल पर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान करती है तो उसके खर्चे भी होते हैं बड़े लेवल पे उसके एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है रीस्ट्रक्चरिंग के एक्सपेंसेस का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है तो वो जो प्रोविजन तुम क्रिएट करोगे ना उसको तुम किस कैटेगरी में डालोगे एक्सेप्शनल आइटम में दिखाओगे क्यों क्योंकि वो हर बार नहीं हो रहा है ना है बिजनेस से रिलेटेड पर वो हर बार थोड़ी हो रहा है हाँ और नॉट क्लियर हुआ कि नहीं तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया मैंने तो सबसे पहले आपको रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझाया रीस्ट्रक्चरिंग अपने बिजनेस में कुछ बड़े मेजर चेंजेस करना उसके रिगार्डिंग जो भी आपके खर्चे होंगे आप उन खर्चों का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो वो प्रोविजन को आप किस कैटेगरी में दिखाते हो एक्सेप्शनल मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं चाहूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि सारे एग्जाम्पल खुद पढ़ो होमवर्क अपने आप जाकर देख लेना क्या करना है ये तो सिंपल तो है सब कुछ बट क्यों क्योंकि ये एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सेम टू सेम वर्डिंग लिखनी पड़ेगी और सेम टू सेम अगर वर्डिंग लिखनी पड़ेगी तो उस टाइम पे मेरे ये ना ये वाले ये जो डिस्कशन है ये डिस्कशन बहुत जरूर आपको याद आएगा

एक्सेप्शनल है वो ordinary activity. अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस किया था ऑर्डनिटीट बिकेगी profit होगा loss होगा कहां जाएगा Exceptional item. है वो कौन सा activity? Ordinary activity. पर जाएगा, कहां पर Exceptional item. क्योंकि फिक्स भी कभी, कभी कभार सेल होती है रोज थोड़ी होती है बोलो ना बेटा नेक्स्ट सिंपल है यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो कहां दिखाओगे Exceptional. सर लॉन्ग टर्म ही क्यों बोला है शॉर्ट टर्म क्यों नहीं बोला है वो तो बिकते रहते ना उसकी ट्रेडिंग होती रहती है वो कहां से एक्सेप्शन हो गया समझ कि नहीं वो तो आपका जनरल जनरल हो गया तो आगे लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कल याद है कल एक एग्जांपल कल एक क्वेश्चन क्या था तुम्हारे ए एस फोर में पेट्रोल वाला याद है वो प्राइस बढ़ गया था रिट्रोस्पेक्टिव सरकार ने प्राइस बढ़ा लेजिस्लेटिव चेंज बिकॉज ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो उसका इफेक्ट कहां दिखाओगे एक्सेप्शनल क्वेश्चन कल वाला कौन सा और, और क्वेश्चन चिपक चिपक दे दे थो है? इतना, इतना है उसको इतना है चिपक जा ना उसको चुम्मी दे ही नहीं आज देख रहा हूँ चिपकता जा रहा है उसको ए कर रहा है, ए कर रहा है. है? मजा आ रहा है उसकी खुशबू अच्छी लग रही तेरे को अभी भी नहीं हट है अरे जाने तो उधर से निकल रहे तो चिपक चिपक के हटना 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 आदमी ये कैसा है मेरे को डिस्ट्रेक्ट हो रहा है यार तू कौन सी उसको खुशबू दे रहा है भाई यार मतलब तू भी उसको मतलब हाँ दोस्ती तक सीमित रख बता रहा हूं करियर पे आ जाएगी चलो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा उसको देखो रे जाके वापस आएगा कि नहीं नहीं ऑन जोक सपाट मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि मैंने स्टार्टिंग में जो बहुत ज्यादा डांट लगा दी तो शायद सब लोग ऐसे हो गए तो इसलिए थोड़ा सा लाइट माहौल कर लिया बाकी please, आप, don't take it <laughs> <laughs> अरे सच्ची में तू तो देख लेता यार एक बार यार अरे सच कुछ देख लेता यार उसको मैं देख क्या कर रहा है यार तू थोड़ा सा तो यार <laughs> भाई तेरे को उसको हटा सन लात मार बार ले तू तो, उसको मुंह से बोल रहा है <laughs> तो, किसी को भी लग जाएगा यार <laughs> दो दिन से यार बापरे <laughs> दो दिन चलो चलो सीधा अरे पसीना आ गया मेरे को चालू करना पड़ेगा आएगा, आएगा वो तो क्या नाम है उसका चलो चलो ठीक है आगे लिटिगेशन सेटलमेंट लिटिगेशन सेटलमेंट पे भी हमने कोई केस स्टडी पड़ी थी लिटिगेशन सेटलमेंट में भी कोई केस स्टडी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी एस फोर में अरे यार कौन सा वाला क्वेश्चन था वो पेप्सर एंड कोलगेट का एग्जाम्पल भी उसमें आया था यार वो मतलब वो मतलब उस टाइप का कोई ऑफ ट्रेडमार्क है ना लिटिगेशन हुआ तो उसको चौदह लाख रुपए देना पड़ेगा दस लाख के बजाय कहां दिखाओगे एक्सेप्शनल आइटम अरे बोलो ना यार हा? आप तो जाके उस क्वेश्चन में भी जाके एस फाइव का रेलेवेंस दे सकते हो कि मैं इसको एक्सेप्शनल आइटम में जाके दिखाऊंगा समझ में आ रहा है कि नहीं दिस इज व्हाट वी आर डूइंग वी आर वी आर टेक्निकली लिंकिंग वन एस विद द अदर एस हम लिंकिंग कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे लिंकिंग कर रहे हैं अब देखो लिंकिंग समझो अगर कोई इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद अकर होता है लाइक लिटिगेशन सेटलमेंट और उसके कारण हमें उसका एडजस्टिंग इफेक्ट देना पड़ता है बैलेंस शीट डेट पर तो आप उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखा सकते हो मतलब अपने एस फोर एस फाइव को अपन ने लिंक कर दिया समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है कि नहीं <laughs> इसको होने साइट लोन ले मतलब जगह उधर से थी अभी भी तू सेम बेंच पे बैठा है हाँ बोलिए जब स्पेसिफाई कर ले क्वेश्चन में कि आपको ए एस फाइव के अकॉर्डिंग है एस फोर के अकॉर्डिंग तो आप एस फाइव को नहीं भी करोगे तो चलेगा पर अगर आप एडिशनल करके आओगे तो कोई दुख दर्द नहीं होगा और कभी बोलता है कि रेलेवेंट एस

किस में दिखाएंगे एक्सेप्शन आइटम समझ में आ रहा है कि नहीं वो नहीं आएगा इधर नहीं. नहीं 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 इधर आया इधर अपन ने एग्जाम्पल स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखे हुए ठीक है हाँ ठीक है सैलरी पेबल नहीं बोला नलायक लास्ट में लिखा हुआ है रिवर्सल ऑफ प्रोविजन सैलरी पेबल तूने बनाई पर पे नहीं किया तो बाद में तेरे को रिवर्स करनी पड़ी प्रोविजन को रिवर्स करना बोला मैंने वो इसमें आएगा तो, ना, मैं तो, तो उसको प्रोविजन को रिवर्स किया एक्सेप्शन में डाल ठीक है यहां तक तो क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगे कि याद नहीं रहेंगे कितने एग्जाम्पल्स हैं सेवन एग्जाम्पल्स है एक बार बेटा एक्सेप्शन एग्जाम्पल ये सेवन लिख लिया आप साइड में लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है लिख लेना ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स एक बार पूरा रेफर कर लीजिए मैं वो कमेंट्स तो अभी एक ही पढ़ रहा हूँ वो कुछ हंसी रहे हैं, वो सो अच्छे सर योर एक्टिंग एक्सप्रेशन कड़क एकदम समझ आ गया सबको क्लियर है एग्जांपल्स पढ़ लिए तुम तो तू तु, तु पढ़ नहीं रही है मैं तो को बता रहा हूं दरवाजा खोला रखना पड़ेगा तेरे लिए हाँ पढ़ ले सारे साथों के साथ एग्जाम्पल तो पढ़ हाँ बताए क्या अभी बोला क्या मैंने मैंने सबको बोला कि अपने अपने हिसाब से जल्दी सेवन आइटम्स को रिपीट करिए सब ठीक दरवाजा खुला रखना पड़ेगा तेरे लिए मेरे को पढ़ लिया पढ़ने को बोला हूं मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता आपको याद रखना होता है कि ये याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे रहेंगे याद हाँ हो जाएंगे ऑल राइट आइटम्स अच्छा एक सेकेंड अभी हमारा स्कोप में कौन सा स्कोप चल रहा है अभी भी, भी?

पॉइंट कौन सा पढ़ा था नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने में आपके दो चीजें होती है प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स इसी के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या पड़ती है बोल रहा हूं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती है ये बोल रहा है यस यस पागल हो गया ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती है एक्टिविटीज विच आर अंडर बाय द एंटरप्राइज एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस अगर आप इतना भी लिखोगे ना आगे का नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा बोलो बेटा और एनी अदर रिलेटेड एक्टिविटीज एज अ अदरस और इंसिडेंटल टू देखो ना वर्ड देखो जाके क्या लिखे ऑफ और इंसिडेंटल टू याद है कि नहीं अच्छा इसमें हमने क्या डिस्कस किया था सेपरेट डिस्कलोजर कब करना है एनी आइटम एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटी विच इज ऑफ सच साइज और नेचर दैट देयर डिस्कलोजर इज रेलिवेंट क्यों

कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन और रिवर्सल तीसरा फिक्स एसेट्स डिस्पोजल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल लिटिगेशन सेटलमेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस लेजिस्लेटिव चेंजेस और लास्ट रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस क्लियर अब हम इसी पहले पॉइंट का अब इस पहले पॉइंट का आखिरी चीज पढ़ रहे विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम डेफिनेशन आपको पढ़नी है आपसे पूछूंगा मतलब उसका पढ़िए पढ़ लिया एक्स्ट्रॉर्डनरी yes, आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं इनकम एक्सपेंस की असेट लाइबिलिटी असेट लाइबिलिटी को कभी भी तुम एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बोलोगे समझ में आएगी नहीं हाँ ऐसे ही जनरल एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ओनली जनरल इनकम्स और एक्सपेंसेस को अगर तुम्हें क्लासिफाई करना है दो कैटेगरीज में तो दो कैटेगरीज होती है एक होता है कैटेगरीज फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटीज फर्स्ट होता है प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटी और दूसरा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स वैसे ही तुम्हें असेट लाइब्रेरी को अगर दो कैटेगरी में क्लासीफाई करना है तो असेट लाइब्रेरी में दो कैटेगरी होती है मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी वर्ड सुना है पहले कभी वर्ड तो सुना होगा मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी ये सिर्फ असेट और लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन होता है मॉनिटरी असेट्स नॉन मॉनिटरी और इनकम एक्सपेंस में ऑर्डनरी एक्टिविटीज एंड एक्सट्राडनरी आइटम्स और नॉट क्लियर ये मॉनिटरी आइटम्स मॉनिटरी असेट्स न ये हो तुम लोगों ने ए एस इलेवन में पढ़ा हुआ है ग्रुप वन में ग्रुप वन में ए एस इलेवन में है ये किसी को याद नहीं नाम, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स याद है वो डॉलर वाला एग्जाम चलो एक्स्ट्रॉइन आइटम्स क्या होते हैं एक्स्ट्राइन आइटम्स पहले तो वो इनकम और एक्सपेंस होने चाहिए किसी भी इवेंट या किसी भी ट्रांजैक्शन से हो सकता है अब यहां पर इवेंट भी बोल दिया तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस डेट भी हो सकता है बोलो रे इवेंट कोई भी इवेंट हो फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ right. भी इवेंट हो क्लियर ऑल राइट तीसरी क्या चीज होनी चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी से उसका कोई रिलेशन वो कोसो दूर है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से और लास्ट नॉट एक्सपेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली कह सकता हूं नॉन रिकरिंग होना चाहिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉन रिकरिंग की बात कर रहा है नॉन रिकरिंग की बात कर रहा है तो बताइए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स की चार कंडीशन कौन सी इनकम और एक्सपेंस राइजिंग ऑन पास्ट इवेंट और ट्रांजेक्शन हा डिस्टिंग के आगे वर्ड था क्लियरली डिस्टिंग क्लियरली डिस्टिंक फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटीज नॉन रिकरिंग आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रीअकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली समझ आया ये आइटम्स कौन से होते एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स होते हैं. समझ आया कि नहीं अब हमने तीनों चीजें समझ ली ऑर्डनरी एक्टिविटीज समझ ली ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के अंदर एक्सेप्शनल आइटम समझ गए और अब तीसरा हमने क्या समझा तो जो कंफ्यूजन पहले क्रिएट किया था हमने थोड़ा बहुत अब उसको वापस से ठीक कर रहे हैं कि नहीं बोलिए हाँ हेडिंग क्या है व्हाट टू डू विथ ऊपर एक हेडिंग क्या थी याद है आपको व्हाट टू डू विथ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या किया था हमने ऑर्डिनरी एक्टिविटी के साथ ऑर्डनरी एक्टिविटी के साथ हमने यह बोला था कि सारे आइटम नहीं सिर्फ वही आइटम जिनका नेचर या जिनका साइज ऐसा है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है डिस्क्लोज करना उसी को करूंगा हाँ अब व्हाट टू डू विद द एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम चलिए पढ़िए क्या यहां पर कोई वो साइज और नेचर एक्सप्लेन परफॉर्मेंस और इन सब की बात कर रहा है क्या तो बोल रहा है काहे का कुछ का? भी हो कोई भी आइटम हो कैसा भी आइटम हो एक्सप्लेन छोड़ो तुम्हें हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली ही दिखाना है हां अब तुम यहां पर एक सेपरेटली डिस्क्लोज जो मैंने हाईलाइट किया ना तुम बोर्ड पर देखो सेपरेटली डिस्क्लोज जो हाईलाइट किया ना उसको एरो करके मैं नीचे लिख रहा हूं ऑल्दो शेड्यूल थ्री हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड सेपरेट हेडिंग फॉर दिस कुछ समझ आया मैंने क्या लिखवाएगी शेड्यूल थ्री के फॉर्मेट में तो एक्सट्री आइटम सेपरेटली दिखाएगा ना एस पर बोलता है कि सेपरेटली दिखाओ शेड्यूल सेपरेट दिखा देखा जा जाके उसमें दिखाना पड़ेगा नहीं आएगा समझ में हा? तो ने बोला सेपरेट दिखाओ शेड्यूल थ्री ने उसको फॉर्मेट uh, में ही सेपरेट हेडिंग बना के बोल दिया कि तुम जब सेपरेट दिखाओगे ना वो इसी में दिखाओ आ रही है बात साल में कि नहीं हा? तो आपको तो नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं शेड्यूल थ्री और ए एस आपस में भाई भाई होके चल रहे हैं मतलब एक दूसरे का ख्याल रखे चल रहे हैं कभी ऐसा हो सकता है क्या कि शेड्यूल थ्री और ए एस दोनों कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हुआ तो किसकी मानेंगे ए एस की याद रखेगा अगर कभी भी किसी आइटम के ऊपर किसी ट्रीटमेंट के ऊपर किसी प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर शेड्यूल थ्री और ए एस कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाए तो कौन प्रिवेल करेगा ए yes. एस विल प्रिवेल ऊपर ए एस आएगा आई बात समझ में क्लियर समझ हुआ चलो वापस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की चार कंडीशंस कौन सी हैं बोलो इनकम और एक्सपेंस होना चाहिए

एग्जाम्पल्स क्या है लॉस ड्यू टू फायर एक और example है क्या है भाई रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है ना ये एस ट्वेल्व कहता है कि जब भी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होगी तो आप उसको ए एस फाइव के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा आइटम ट्रीट करोगे आई हैव टू चेक मेरे पास ग्रुप वन का ट्रम्प है कि नहीं है ये देखिए मैंने ग्रुप वन का ट्रम्प निकाला है ये देखिए ग्रुप वन के ट्रम्प में रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट करके एक हेडिंग दिख रही है आपको और नीचे यहां पर आपको दिख रहा है अ गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रीपेबल शुड बी अकाउंटेड एज एक्स्ट्रा आइटम्स एज पर अंडरस्टूड नॉट लिंकिंग क्लियर होगी ए एस फाइव के अकॉर्डिंग वो आइटम है पर लिखा कहा हुआ है ए एस ट्वेल्व में समझ आया कि नहीं तो ये हुआ खत्म आपका पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या था नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड पहला पॉइंट आपका जाके खत्म हुआ पहले पॉइंट में कितनी सारी बातें थी यार टोटल बातें कितनी थी नेट प्रॉफिट और लॉस किसी भी पीरियड का निकालने के लिए आपको क्या सारे इनकम और एक्सपेंस लेने चाहिए आंसर सही नहीं दे रहा यस सर लिखना सही नहीं है ना आंसर क्या होना चाहिए इस रिक्वायर्स अदरवाइज एग्जाम्पल कौन से थे उसमें ए एस टैंड रिवल्यूशन रिजर्व ए एस ट्वेल्व गवर्नमेंट ग्रांट ए एस सिक्सटीन बोर को कैपलाइज करेंगे ठीक है hmm. दूसरी पॉइंट क्या पड़ी नेट प्रॉफिट लॉस जो करंट ईयर का आपका निकलता है वो दो से बन के निकलता है। कौन सी दो चीजें होती है Profits, ordinary, क्या? Business, business. क्या के सारे आइटम्स को मुझे करना है? सारे आइटम्स को मुझे एक्सेप्शन में दिखाना है नहीं मुझे किसको दिखाना है एज पर द साइज और नेचर दैट डिस्लोजर इज रेलिवेंट जरूरी उसका डिस्कलोज करना वाई वाई क्या टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ दी देटली डिस्कलोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ दुड नॉट हाँ फिर हमने एक्सेप्शन कैटेगरी के सात एग्जाम्पल्स पड़े फिर हम किस पे आए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम की चार कंडीशन पड़ी क्या क्या इनकम एक्सपेंस इवेंट और ट्रांजेक्शन क्लियरली डिस्टिंग फ्रॉम

नेक्स्ट हेडिंग क्लियर हो चुका है मैंने चार थे, आपने लिखे थे सबसे स्टार्टिंग में मैंने चार स्कोप लिखवाए थे आपको चार स्कोप में सेकेंड नंबर स्कोप पे आ गए हम प्रायर पीरियड आइटम डेफिनेशन मत पढ़िए नाम से क्या लग रहा है नाम से क्या लग रहा है क्या होना चाहिए कोई पिछले पीरियड का पिछले साल का कोई आइटम जो इस बार मालूम पड़ा डिटेक्ट हुआ ऐसा कुछ होगा हो ना बिल्कुल सही बात ऐसा ही कुछ होगा बट आप जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रायर पीरियड आइटम की जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें दो शब्द बहुत ज़रूरी हैं वो डेफिनेशन में दो शब्द अगर आप एग्जाम में नहीं लिख के आए तो खत्म जीरो मार्क्स चलिए पहले आप खुद से डेफिनेशन पढ़िए अच्छा प्रायर पीरियड आइटम भी कभी भी असेट लाइब्रेटी नहीं।, नहीं हो सकते हाँ पीरियड आइटम कभी भी असेट लाइब्रेटी क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके आपने कभी असेट लाइब्रेटी का तरीका देखा है साल भर में तुमने गुड्स परचेस किए तो परचेस अकाउंट डेबिट किया पर तुमने मशीन परचेज की तो तुमने परचेस अकाउंट डेबिट किया कि मशीन अकाउंट डेबिट किया अब दोनों को कंपेयर करो अरे मैं बोल रहा हूँ करो तुम बोल रहे हो नहीं कर सकते पागल हो गई क्या वापस हाँ फिर से मैं बोल रहा हूं करो नहीं कर सकते सुनो गुड्स परचेज किए अकाउंट डेबिट मशीन परचेज किया परचेज अकाउंट डेबिट बोलू कि मशीन अकाउंट डेबिट बोलू अब मैं बोल रहा हूं दोनों को कंपेयर करो परचेज को क्लोज कर देते हो पेटल में मशीन कभी क्लोज नहीं होता वो कैरी फॉरवर्ड होता है तो असेट और लाइबिलिटी के अमाउंट हमेशा कैरी फॉरवर्ड रेट चलते वो तो बाय डिफॉल्ट प्रायर पीरियड होते ना हाँ हाँ तू भी कर दे ट्रेंड फॉलो कर बोला असेट लाइबिलिटी को मैं प्रायर पीरियड आइटम नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कैरी फॉरवर्ड होके तो आते हैं यार वो तो पिछले साल से क्या होता है कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं ना मेरी शक्ल क्यों दिख रही ऐसे बेटा मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया क्या है? ये शकल दिख रही है या तो मैंने गलत पढ़ा दिया या तो तू पहली बार ये सुन रही है समझ आ रहा है कि नहीं तो असेट लाइबिलिटी हमेशा कैरी फॉरवर्ड होकर आता है तो वो बाय डिफॉल्ट पिछले साल का होता है इनकम एक्सपेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है

यहाँ वो स्पेसिफिकली इनकम और एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि ऐसी कोई इनकम और एक्सपेंस जो इस बार गलती से मतलब पिछली बार गलती से कुछ गड़बड़ हो गई थी जो इस बार आ गई सेट लाइब्रेरी तो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं ठीक है चलो वापस पढ़ते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स द आइटम्स ऑफ आइटम्स ऑफ व्हाट इनकम्स और एक्सपेंस नॉट अ सेट मैंने जानबूझ के लिखा है नॉट अ सेट लाइब्रेरी विच अराइज इन करंट पीरियड में जो अराइज हुए ठीक है ना जो करंट पीरियड में अराइज हुए क्यों मैंने बोला था दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है एज रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन आगे आगे अभी रुकना नहीं है एरर ओमिशन क्या इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पुराने साल का एल बैलेंस शीट बनाते वक्त कोई गड़बड़ घोटाला हो गया आज मालूम पड़ा पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त कुछ चीज भूल गया अभी मालूम पड़ा कुछ मिस्टेक हो गई अभी मालूम पड़ा एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ भी एग्जाम्पल पर वो एग्जाम्पल इनकम इनकम और एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए क्योंकि इनकम और एक्सपेंस की बात चल रही है सैलरी रिसीव कर ली देखो एक सेकेंड मैं तुम दोनों पे आता हूं पहले कि रेंट पे कर दिया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाए सैलरी पे कर दी रिकॉर्ड नहीं पाए कर पाए ये तो हो ही नहीं सकता एक सेकेंड ये हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि अगर तुमने पे किया होगा तो तुम्हारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा बोलो यस yes और नो no. या तो तुम्हारा कैश बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा और एंथ में हम बनाते हैं बैंक रिको तो उसमें पकड़ में आ जाता है अपने आप तो प्राय पीरियड होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता क्योंकि बैंक रिको में पकड़ में आ जाता है, Payable, exactly. है। मुझे रेंट की आउटस्टैंडिंग एंट्री पास करनी चाहिए थी मैंने आउटस्टैंडिंग एंट्री पास नहीं की गलती से अंडरस्टूड और नॉट मैं एक महीने का रेंट अगले महीने में पे करता हूं सुनना ध्यान से मार्च का रेंट कब पे करूंगा पर मार्च में तो यह रेंट रहा है सर्विस कब मिल रही है मुझे मार्च में भले पे कब करूंगा पर सर्विस कब मिली तो कब हुआ मार्च में ना सर्विस कब कब मिली मार्च मार्च में हुआ? में हुआ तो खर्चा कब बुक होगा मार्च में पे कब करूंगा अप्रैल में तो मैंने पे कब करूंगा अप्रैल में तो चक्कर में मैंने ना रेंट का आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट का प्रोविजन बनाना भूल गया दिस इज ओमिशन अंडरस्टूड और नॉट क्लियर कोई एरर का एग्जाम्पल रॉन्ग डेप्रीसिएशन चार्ज वेरी गुड अमाउंट गलत ले दिया डेप्रीजिएशन गलत चार्ज कर लिया गलत परसेंटेज पे चार्ज कर दिया अंडरस्टूड और नॉट बोलो बेटा क्लियर अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि रेंट का प्रोविजन नहीं बनाया मैं एक फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया मार्च एंडिंग में किया पांच परसेंट से बट बाद में नेक्स्ट ईयर में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं पांच परसेंट सही नहीं है दस परसेंट होना चाहिए था क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है नहीं प्रोविजन कहा रिवर्स कहाँ हो रहा है रिवर्स नहीं हो रहा है ये ये रिवर्स नहीं हो रहा है ये को, क्या वो क्या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है ये चेंज इन अकाउंटिंग क्यों इसका रीजन इसमें कोई गलती नहीं है कोई ओमिशन नहीं है देख लो ना प्रोविजन बनाते वक्त तुमने कितने परसेंट का प्रोविजन बनाया बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द एस्टिमेट प्रिवेलिंग ऑन द इकतीस मार्च जो कंडीशन इकतीस मार्च को दिख रही थी मैंने उसके हिसाब से पांच परसेंट बना लिया बाद में कंडीशन बदल गई मेरी काय की गलती रे नहीं आ रहा समझ में कि नहीं हा तो डू नॉट एवर लिंक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विथ प्रायर पीरियड आइटम प्रायर पीरियड आइटम इज अ डिफरेंट थिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज अ डिफरेंट थिंग अंडरस्टूड और नॉट फॉर प्रायर पीरियड आइटम देयर मस्ट बी वॉट दीज टू वर्ड्स देयर मस्ट बी आई एरर Or omission, but in case of change in accounting estimate, there is change in estimate. There is a change in conditions. There was not an error. There was not an omission. Tell me, guys. Huh? When I when I recorded 5% of provision, that 5% provision was based on the current condition. Because my thinking was here, I will be able to recover 95%.

Prior period items, please. Understood or not? Yes. Clear? जब तुम कोई एस्टिमेट में बदलाव करते हो तो वो तुम्हारा प्रायर पीरियड आइटम नहीं हो सकता आई होप आपको ये point clear समझ में आ रहे होंगे भेजे में जा रहा है कि नहीं प्रायर पीरियड आइटम्स मीन द आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसिस विच अराइज इन द करेंट पीरियड एज द रिजल्ट ऑफ एर ऑमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर अब यहां पर यह भी बताया गया कि जरूरी नहीं कि सिर्फ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का वन और मोर कोई भी पिछले दस साल पहले का आइटम हो दस साल पहले का अगर कोई आइटम हो उसकी गलती तुम्हें आज मालूम पड़ी है तो वो भी प्रायर आइटम हो सकता है अरे बोलो ना यार क्लियर अब उसका ट्रीटमेंट क्या करने का है देखो वो तो डिस्क्लोजर तो में लिखना पड़ेगा हम्म पहले आप ये ट्रीटमेंट पढ़िए सेम वर्डिंग सेम सेम टू वर्डिंग द नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्राइवेट आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्कलोज इन दी एंडल अकाउंट सो दैट देयर इंपैक्ट इन करंट ईयर प्रॉफिट कैन बी सीन यही वर्डिंग आपके ऊपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी में थी देखिए ध्यान से एक्सट्राइन आइटम में क्या था द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एक्ट्राइन आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्कलोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ मैनर दैट इट्स इंपैक्ट इन द करंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी परसीव्ड वही लैंग्वेज है क्या लैंग्वेज बोली गई है कि भाई इसको आप सेपरेटली दिखा दो ताकि करंट ईयर में जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया है उससे मालूम तो पड़े कि प्राय पीड़े के चक्कर में कितना हुआ तुमने करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला पांच करोड़ प्रॉफिट निकाला पांच करोड़ ये प्रॉफिट पांच करोड़ का इसीलिए आया है क्योंकि करंट ईयर में तुमने एक प्राय पीरियड आइटम लिखा है पचास लाख रुपए का अगर वो तुम हटा दो पचास लाख रुपए का खर्चा अगर हटा दो तो फाइव पॉइंट फाइव आ जाता है तो सीधा सीधा दिख गया ना कि हाँ मेरे प्रॉफिट पर कितना इम्पेक्ट पड़ा नहीं है समझ में आएगी नहीं अलग से हमें पता लगने के लिए कि हाँ इसके आइटम इस चक्कर के इस आइटम के चक्कर में हमारे प्रॉफिट पर कितना असर पड़ा ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सेपरेटली अब फिर से मेरा सवाल आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज तो करेंगे कहां डिस्क्लोज करेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी के अंदर एक्सेप्शनल के अंदर कि और जो दूसरे हेड बने हुए हैं वहां पर कहा तो खुद की डेफिनेशन है PNL में? नहीं शेड्यूल थ्री में है ही नहीं शेड्यूल थ्री में है ही नहीं प्राय पीरियड का कोई सेपरेट हेड है ही नहीं प्राय पीरियड आइटम का कोई सेपरेट हेड शेड्यूल थ्री में है ही नहीं तो सवाल जवाब ये है सिंपल कि पहले ये चेक करो कि वो जो प्रायपीरियड आइटम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी की भी डेफिनेशन को फुलफिल कर पा रहा है क्या अगर वो प्रायपेरियड आइटम एक्स्ट्राऑर्डनरी आइटम की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर पा रहा है तो आप उसको कहां ले जाओगे एक्सट्रॉनिक और अगर वो एक्सट्रॉनिक आइटम की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आप उसको कहां ले जाओगे एक्सेप्शनल आइटम कहा ले जाओगे तो ये लिख लीजिए अपनी अपनी राइटिंग में कि वेयर वी नीड टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली क्वेश्चन लगा लो एक क्वेश्चन बना लो वेयर वी शुड डिस्क्लोज इट सेपरेटली अंडर पी एंडल वी शुड इट सेपरेटली अंडर पी एंडल कहां डिस्कलोज करेंगे तो आप ऐसे उसके नीचे आप बनाएंगे ऐसे एरो दो क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया वो लिखा तो कॉपी में लिख लेना जरूरत तो होगी सब टेक्स्ट बुक से हो जाएगा कॉपी भी तो बना रहे हैं अपन जो बोलूं लिखने को वो लिख लिया करो उसी टाइम पे बाद में फिर देखते रहोगे मुंह चार लोग यार, यार क्या, हुआ, क्या, हुआ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ फिर फोटो मांगोगे ऐसा मत करो जो बोला है वो आप कहीं पे भी लिख सकते हो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको टेक्स्ट बुक ही होनी चाहिए हाँ आ, और क्वेश्चन क्या था वे आर वी शुड डिस्कलोज इट सेपरेटली अंडर पी एंडल तो इफ पी पी आई पी पी आई मतलब प्रायर पीरियड आइटम प्रॉफिट बोला किसी लायक ने if ppi is extraordinary item then it should be shown under extraordinary head in pindel if ppi is not extraordinary item then it can be shown under exceptional head item head

क्लियर? एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए प्राइवेट आइटम के बेटा एक्सेप्शनल आइटम भी तो ऑर्डनरी एक्टिविटी होता है ना तो ऑर्डनरी तो है ऑर्डनरी में, में आ रहा है ना बेटा एक्सेप्शनल आइटम भी तो अपने आप में ऑर्डनरी एक्टिविटी होता है ना चले आगे बढ़े मैं ब्रेक इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैं दस मिनट में छुट्टी देने वाला हूं दस पंद्रह मिनट में मैं छुट्टी देने वाला हूं उसका रीज़न यह कि कल अपन ने डेढ़ घंटे की क्लास ली थी पार्ट ए बनाया था मैंने आपको बोला था कि आज का पार्ट बी होगा क्या है कि अगर इस लेक्चर को मैं तीन घंटा बना लूंगा तो वो बच्चों को ऑनलाइन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम जाता है वो डाउनलोड डाउनलोड नहीं हो पाता है वो फिर कंप्लेन करते हैं तो मैं ये लेक्चर पार्ट बी रख रहा हूँ बेसिकली ताकि वो डाउनलोडिंग वाला ये सब चीज़ें चक्कर वक्कर ना हो दिक्कत ना हो तो मैं ब्रेक इसलिए नहीं था वो मुझे पता चल गया था वो तुम लोग मेरी शक्ल देख रहे हो शकल पे लिखा हुआ तो मैं ब्रेक दे दो तो मैं नहीं दे रहा हूँ दस पंद्रह मिनट में छोड़ रहा हूँ मैं।, <laughs> मैं घर जाऊंगा मैं घर कह खाऊंगा मैं ठीक है टू अकाउंट फॉर इनकम और एक्सपेंसिस किसी भी इनकम और एक्सपेंस को अकाउंट फॉर नहीं कर पाए भूल गए नॉन प्रोविजन फॉर सैलरी डिस्कस किया था सैलरी का प्रोविजन नहीं बनाया अप्लाइंग इन करेक्ट रेट ऑफ डेप्र किया था ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंस लीज गलती हो गई हम अरे ये बात कर रहे हैं ए एस नाइनटीन के अकॉर्डिंग लीजेस दो टाइप के होते हैं फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज एएस 19 के अकॉर्डिंग लीजेस कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज और दोनों लीजेस का डिफरेंट दिफ, डिफरेंट ट्रीटमेंट है तो आपको ट्रीट करना था ऑपरेटिंग पर आपने ट्रीट कर दिया फाइनेंस ट्रीटमेंट ही अलग कर दिया गलती हो गई ये तो एरर हो गया आप उसको ठीक कर रहे हो रेक्टिफाई कर रहे हो इतनी बात समझ में आएगी नहीं अब मैं आपको यहां दूंगा एक छोटा सा एक बूस्टअप इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक आ, थोड़ा सा एक सेपरेट चीज बताऊंगा नॉलेज वाली अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स का क्या यहाँ पर कहीं पे भी पढ़ के ये समझ आ रहा है क्या कि प्रायर पीरियड आइटम जो है वो जिस साल का था आपको उसी साल में जाके ठीक करना है ऐसा कुछ लिखा है क्या नहीं तो क्या लिखा है फिर क्या लिखा है हिस्सा तो हिस्सा दिखा यार तो उसको इसी साल में दिखा अरे नहीं आई अब मैं आपको बता रहा हूँ इन डे में ऐसा नहीं होता इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता इंटरनेशनली और इन डे में बोला गया है कि ये आइटम जिस साल का था उस साल में जाके उसका रिट्रोस्पेक्टिव जाके चेंज कर और न्यू बैलेंस शीट बना के वापस से कैरी फॉरवर्ड करके आज के करेक्ट बैलेंसेस लेके आओ सर अगर पचास साल पुरानी हुई तो वेट इसमें इसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर पचास साल सौ साल बीस साल पांच साल इतना पुराना है तो तेरे लिए मैक्सिमम पॉसिबल पिछला कितना पीछे जाना तेरे लिए पॉसिबल है सुन तो सही तेरे लिए मैक्सिमम कितना पीछे जाना पॉसिबल है सामने वाला बोलेगा मेरे लिए मान लो एक ही साल पॉसिबल है सामने तो अपना वाला फायदा देखेगा

सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये करता कि नहीं करता जल्दी ना रे आ? तेरे को सौ रुपए का सैलरी प्रोविजन क्रिएट करना था पर तूने नहीं किया लास्ट ईयर तेरे को कब मालूम पड़ा करंट ईयर में तो so, तू एक काम कर इन के अकॉर्डिंग तू एक काम कर तू ये वाली एंट्री जाके पिछले वाले साल प्रीवियस ईयर में जाके एडजस्ट कर दे आपको ये पता है ना शेड्यूल थ्री कहता है कि करंट ईयर के फिगर्स के साथ आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स दिखाने पड़ते हैं

सर कैसे दू सुनना हाँ हाँ करो फॉलो करो इस चीज को तुम लोग तो कैसे मैं इसका इफेक्ट दू टेक्निकली तू एक काम कर ये एंट्री जो होनी थी ये तो अब हो नहीं पाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं हो पाई वैसे भी अगर तू ये एंट्री कर भी लेता सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सैलरी तो डेबिट कहां जाके मरता मरना कहा जाके ट्रांसफर होता दे दे दे। तुम लोग बोलोगे सर मरने मराने वाली बातें कर रहे हैं सैलरी जाके कहा ट्रांसफर होता यार पेंडल में जाके मरता ना वो बोलो ना पेंडल मरता पेंडल का फाइनल बैलेंस कहा जाता रिजर्व एंड सरप्लस में और सैलरी आउटस्टैंडिंग कहा जाके मरता नहीं वो नहीं मरता सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइब्रेटी करंट लाइब्रेटी में जाता तो एक काम कर तू ना एक काम कर तू एक एंट्री पास कर रिजर्वेंस सरप्लस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी तो तेरे प्रीवियस ईयर में तेरे प्रीवियस ईयर में जो रिजर्वेंस सरप्लस दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे और तेरी तो जो करंट लायबिलिटी दिख रही है वो बढ़ जाएगी बस उसका इफेक्ट दे दे यहां पर समझ आए कि नहीं अपने आप ये करंट लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होकर करंट ईयर में आ जाएगी तो ये अपने आप रेक्टिफाई हो गया समझ आए कि नहीं तो India's के अनुसार बाहरी इंटरनेशनल एस के अनुसार प्रायर पीरियड का रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है पुराने साल में जाके अब मेरा वापस है सवाल, अगर वो पुराना साल पचास साल पुराना था तो तू कितना पीछे जा सकता है उतना जा सर में एक ही साल तू एक ही साल पीछे जा तू प्रियस के फिगर को चेंज कर दे समझ आया कि नहीं दिस इज वॉट वी कॉल इट एज रिट्रोस्पेक्टिव चेंज समझ आया कि नहीं इसको कहा जाता है रिट्रोस्पेक्टिव प्रीवियस के फिगर्स में चेंजेस कर दो ओ दादा दादी नेट प्रॉफिट मैंने चेंज करके डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस को ही बदल दिया ना मैडम वो उसका इफेक्ट मैं अलग से डेफर टैक्स अकाउंट निकालूंगा मैं बताऊंगा आपको जो उसका टैक्स का इंपैक्ट है ना वो एस ट्वेंटी टू में ठीक है समझ कि नहीं मुझे इसमें एक आंसर देने की बहुत चुल मच रही है आपको तो मैं और बता देता हूं पहली बात तो इनकम टैक्स के अनुसार क्या होगा मेरा एक सेपरेट इनकम टैक्स का कंसल्टेंट होगा ठीक है पिछले साल के प्रीवियस के बुक्स मैंने इनकम टैक्स कंसल्टेंट को दे दिए होंगे तो उसने भी गलत तरीके से ही रिटर्न फाइल कर दिया होगा ठीक है ना क्या दिक्कत है करने दे इस बार मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ तो वो इस बार डिडक्शन ले लेगा क्या दिक्कत कोई नहीं सिंपल आया समझ में कि नहीं हाँ तो मैं वापस आ रहा हूं क्या प्रायर पीरियड आइटम्स का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है क्या नहीं हमारे एएस एस में जरूरी नहीं है वो जो मैंने अभी बताया वो सब क्या था वो इंडेस का है इसमें क्या करना है हमारे एस में हम क्या करते हैं जल्दी बोलो हमारे एस में क्या करते हैं एस एस में हम क्या करते हैं करंट ईयर में ही उसको सेप, मतलब बोल सकते हैं कि एस में हम उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं बोलो ना सर तो लिख लो ना नालायक सर क्या लिखना है खुद से लिखना है मैं क्यों लिखवाऊ मैंने बस इतना बोला कि प्रायपेड आइटम्स का ए एस के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है सेम ईयर में जिस ईयर में उनको फाइंड आउट किया गया उनका कोई रेट्रोस्पेक्टिव रेक्टिफिकेशन नहीं होता ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव ये अदर रिसोर्सेस वाले क्वेश्चन में मिलेगा है ना क्वेश्चन नंबर फाइव है लिमिटेड कंपनी क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2.5 परसेंट ऑन द डेटर्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एंडिंग इलेवन ट्वेल्व

प्रायर पीरियड आइटम माने क्या तो ये पूछ रहा है कि जो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में बदलाव कर रहा हूं क्या वो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम या फिर क्या वो प्रायर पीरियड आइटम हो सकता है कि नहीं जवाब दीजिए अरे आंसर पढ़ना नहीं है तो मैं जवाब देना है आंसर मत पढ़ना क्या ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम होना चाहिए क्या ये प्रायर पीरियड आइटम होना चाहिए जब मैं प्रोविजंस में बदलाव कर रहा हूं तो क्या यह प्रायपेड आइटम्स या क्या ये एक्स्ट्रॉ आइटम्स होने चाहिए नहीं वो प्रायपेड आइटम इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो 31 मार्च के बाद उसने डिसीजन लिया जिसका इफेक्ट वो 31 मार्च को दिखा रहा है मतलब बेसिकली वो एडजस्टिंग इवेंट मान रहा है वो एडजस्टिंग इवेंट मान रहा है वो कह सिंपल है वो कह रहा है फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा इलेब्रेट कर देता हूं मान लो पच्चीस मार्च को उसने टू पॉइंट फाइव परसेंट प्रोविजन बना लिया ठीक है पर दस अप्रैल को उसने वापस से चेक किया फाइनेंशियल कैपेसिटी कैपेसिटी फाइनेंशियल उसने अप्रैल को चेक किया और उसको लगा नहीं, तो नहीं है मैं इसको कितना बनाऊंगा एट परसेंट तो वो उसको एडजस्टिंग मानते हुए इकतीस मार्च में ही वो चेंज कर रहा है ठीक है ना तो आप बताओ ये आइटम होना चाहिए कि नहीं? नहीं ये आइटम होना चाहिए कि नहीं दोनों नहीं हो सकता क्यों चेंज इन वेरी गुड बहुत बढ़िया दोनों क्यों नहीं हो सकता Definition के से बोलो ना दोनों दोनों क्यों नहीं हो सकता प्रायर तो मैंने आपको एग्जांपल में दिया था ना यार कहा गलती कहा है यार एरर ओमिशन कहा है जब भी प्रोविजन बदलते हैं तो एस्टिमेट जब चेंज होते तो आपके सरकम बदलते हैं नलायकों थोड़ी देर पहले बोला था

न नेवर बी ट्रीटेड एज एक्सट्रॉर्डनरी आइटम एज वेल एज प्राइपेड आइटम रीजन आप एक्स्ट्रॉर्नरी आइटम की डेफिनेशन में जो क्लियरली डिस्टिंग फ्रॉम ऑर्नरी एक्टिविटी वाला पॉइंट है वो छेड़ सकते हो वो बोल सकते हो कि भाई ये तो ऑर्डनरी एक्टिविटी है एक्स्ट्रॉडनरी आइटम तो कहां से हो गया और दूसरा प्राइपेड क्यों नहीं है क्योंकि कोई एरर इन्वॉल्व नहीं है कोई ओमिशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या है? Ordinary ये ऑर्डनरी एक्टिविटी का कोई आइटम हुआ सिंपल ये एक्टिविटी हुआ समझ आया कि नहीं और ये ऑर्डनरी एक्टिविटी में ही चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है समझ आया इसका आंसर पढ़ लीजिए ऑल राइट right. पढ़ लिया हाँ आंसर अभी यही होगा ना कि दोनों चीजें नहीं है चलिए एक काम करते हैं आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं सिंस दिस वॉज पार्ट बी ओके पहले सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए पहले बुक बंद मत करिए बुक बंद नहीं करना है आप पहले ये देखिए कि अब इस सी एस फाइव में कितने टॉपिक अभी और बचे हुए हैं उनके पेजेस कितने पेजेस बचे हुए हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बचे दो ही पेजेस वाली कहानी बची है और बाकी क्वेश्चन बचे अंडरस्टुड सो ये मैसेज में देना चाहूंगा सभी को सभी को मतलब मेन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास टू बी कंडक्टेड ऑन यूट्यूब उसके बाद हम स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर हम उसकी जो स्ट्रीमिंग करेंगे वो सॉफ्टवेयर पे करेंगे सो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास विल बी कंडक्टेड ऑन द यू ट्यूब जो की यूट्यूब पर रहेगी

साथ में रखेंगे नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन लोग अंडरस्टूड गाइज ठीक है तो चलिए थैंक यू सो मच अभी के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर जय माता दी अल्लाह हाफिज